चल ढूंढ 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 मिल खजाना ढूंढ ले भैया मिल खजाना ढूंढ ले भैया बैठना के मुंह बल्ले बल्ले हो जाएगी ढूंढ रहे बस ढूंढ बल्ले बल्ले हो जाएगी ढूंढ रहे बस ढूंढ चल 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 ढूंढ आइए आइए साहब, आइए साहब, छांव में आ जाइए, तब बात करते हैं। इधर रखिए बैग। कोई अच्छी होटल है यहाँ पर? धर्मशाला, सस्ती धर्मशाला होनी चाहिए, वो भी चलेगी। मैं आपको एकदम सस्ते में अच्छे से अच्छा धर्मशाला दिलाता हूँ, क्योंकि हमारा नाम है रामदूत, हमारी अम्मा ने रखा था साहब। रामदूत जो कभी नहीं बोलता झूठ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सारे मंदिरों के दर्शन करा देंगे। बस आप चलिए हमारे साथ, पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद सबसे पहले हम आपको सरयू माँ के दर्शन कराते हैं। शाम को 6 बजे आरती होती है। जाओ जाओ, टैक्सी ले आओ, जाओ। बस 2 मिनट साहब, यहीं रुकिएगा। हाँ, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, गाइड भी मिल गया है। जैसा आपने बताया था वैसे ही हो रहा है। अरे चाचा साहब, चलिए वो गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठिए, मैं बैग उठाकर लेकर आता हूँ। ये वाला नहीं साहब, इसमें कोई कांच का सामान है क्या जो हमारे उठाने से टूट जाएगा? हाँ, बहुत कीमती सामान है इसमें। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए साहब। वो जो अपना पुराना वाला धर्मशाला नहीं है, जो सबसे सस्ता वाला है, देखिए भैया को गर्मी नहीं लग रहा है? तुरंत स्टार्ट कीजिए और चलिए। लगता है माल वाल ज्यादा है, तभी साला बैग पकड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब की बात सच होने वाली है। कैफियत दिल्ली से आती है, उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसी में किसी को धर। अब तो बड़ा हाथ लग के ही रहेगा। ये दाएं तरफ धर्मशाला है, लेकिन मुझे सस्ता रूम चाहिए। आप साथ में चलिए, 2 मिनट बैठिए, बस मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। चलो। ये बैग भी साहब, उधर चलिए। पैसा तो दे। अरे अभी रुको, अभी तो तुमको भैया को पूरी अयोध्या घुमानी है। यहीं बैठिए, सामान इधर ही रख दो। एक यात्री आया है जो कम से कम एक सप्ताह भर रुकेगा। एक ही रूम चाहिए ना? हाँ साहब, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे साहब उसकी चिंता मत करिए, रामदूत है तब क्या गम है। ये लीजिए। चलिए साहब, बात हो गई। रूम आपको पूरी अयोध्या में कहीं नहीं मिलेगा।
हाँ दिखता तो ठीक ठाक ही है। क्या देख रहा है? हाँ साहब। चलो एक काम करो, तुम जाओ, बहुत थक गया हूँ मैं, अब एक घंटे बाद चलेंगे हम। बस आप आधे घंटा आराम कर लो, हम बाहर टैक्सी वाले के पास हैं, हम वही आपका इंतजार कर रहे हैं साहब। बाहर वेट करो, आता हूँ मैं। ठीक है सर, मैं वेट करूँ। हाँ ठीक है। अरे साहब ये ताला चाबी भूल गए थे। चलो ठीक है, इसको रखे रहिएगा साहब। ठीक है। पूरी स्टडी कर लेता फिर जाता। तुम कम से कम एक सही काम करके तो दिखाओ मुझे। इंटरनेट की दुनिया से बाहर आओ, फोन से बाहर आओ, बाहर निकलो, कोई एक चीज तो ढूंढ के दिखाओ मुझे, जब मैं मानूंगा तुम मेरे भाई हो। इंसान की ढूंढ जब ही पूरी होती है जब वह सही दिशा में ढूंढी जाती है, तभी सफल होती है। यही एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट की सफलता का मंत्र है। और तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये तुम्हें खुद को पता नहीं है, तो क्या खजाना ढूंढ पाओगे? साहब जल्दी खोलिए ना, नहीं तो टेम्पो वाला भाग जाएगा। कर रहे हो जल्दी करिए ना, इतना देर क्यों लगा रहे हैं आप? रुको एक मिनट, वहीं पर आ रहा हूं अभी। अरे भैया इतना टाइम लगा दिए आप। हाँ बाथरूम में था अभी मैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपको मंदिर उंदिर भी तो घुमाना है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए। बस एक मिनट में आता हूँ। जय सर, जय जय। क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया आप, अरे हम तो बस उठाए थे कि आपको कोई कष्ट ना हो, हम इसको लेकर चल लेंगे, आप इसको ले जाएंगे ना भैया? मैं तुम्हें 10 बार मना कर चुका हूँ कि इस बैग को किसी भी कीमत पे मत हाथ लगाना। अच्छा भैया हड़काते क्यों हो भैया? माफी भैया, हम तो बस आपकी सेवा कर रहे थे। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है ना मैंने, वही काम करना। दोबारा तुमने इस बैग को हाथ लगाया तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है बिल्कुल। अरे भैया रामदूत नाम है भैया, राम कसम अब से ऐसे नहीं करूंगा, मुझको क्या, मैं छूंगा ही नहीं। बैग रखो और सीधे बाहर निकलो। हाँ, बाहर चलो सीधे। लेकिन आप आ जाइए भैया। ठीक है भैया आइए। चलो आइए, मेरी परमिशन के बगैर तुम इस रूम के अंदर नहीं आओगे, कदम तक नहीं रखोगे। क्यों तुझे इतनी देर क्यों लग रही है गेट खोलने में? चल निकल बाहर निकल। कहीं ये फाइल तो चेक नहीं कर रहा था? फाइल वैसी की वैसी है, बेमतलब का मैंने उस पर चिल्ला दिया। कुछ भी यार, कहीं ऐसा ना हो मेरे चिल्लाने से ये भग जाए। जा वीरेन जा, इसको पकड़, ये तेरी मदद जरूर करेगा। इस नगरी में तो किसी को जानता भी नहीं, बेवजह डर गया था मैं, इसी को पटाता हूँ, ये मेरी मदद जरूर करेगा, मुझे माधव नगर तक यही ले जाएगा। सही दिशा में ढूंढी जाती है तभी सफल होती है। यही एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट की सफलता का मंत्र है। और तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये तुम्हें खुद को पता नहीं है, तो क्या खजाना ढूंढ पाओगे? कदर न जानी राम।
किधर न जाने, कदर न जाने रा, कदर न जाने, ओ चार बेदर दी तूने कदर न जाने रा, एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं कोई माधव नगर है? माधव नगर साहब मेरे नजर में तो नहीं है, क्योंकि मैं पूरी अयोध्या जानता हूँ। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो, कोई आसपास कोई गांव होगा। हम नहीं जानते इसके बारे में। एक बात बताइए, आप माधव नगर क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ, पुरातत्व विभागी हूँ मैं, ऐसी खोजबीन मैं अक्सर करता रहता हूँ। अच्छा, आपको कुछ माधव नगर के बारे में पता है? मेरे संपर्क में मेरे चाचा जी हैं, उनका जी, पता देता हूँ। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ के वो महंत हैं, और वो भी लगभग 90-95 साल के होंगे। चलो हाँ। मैं इस गाइड को उनका एड्रेस दे देता हूँ, निश्चित वहाँ पर आपको कुछ मदद होगी। रतुवन कुंड के बगल में जो मंदिर है ना माता जी का, अरे वही है रामनारायण जी का, समझे? उन्हीं के पास जाइए आप, वही आपको बताएंगे। हाँ हाँ, हम पहुँचा देंगे, आप चिंता मत करिए। आप आराम से गाड़ी रोक के उतर जाइए। रुकवाए। अच्छा, चलता हूँ। ड्राइवर, साला माधव को ढूंढ रहा है, टूरिस्ट आया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट अपने आप को बोल रहा है, माधव नगर ढूंढ रहा है। झूठ में तो नहीं बोल दिया तूने कुछ भी मालूम है? नहीं नहीं नहीं, बस आगे से एक रोड गया है और वहीं पे टेम्पो को रुकवा देंगे और वहां से पैदल चलेंगे। क्या है ऐसा जिसके कारण ये मुझे छूने नहीं दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अपना मुंह भैया को कैसे दिखाऊंगा? एक कामयाब आर्कियोलॉजिस्ट बन के दिखाऊंगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था ना, उनको मायूस नहीं करूंगा इस बार। लगता है अब भैया के पास ही काम करना पड़ेगा, वही इसका कुछ हल निकालेंगे। Thank you.
माल उधर माल सब पड़ा हुआ है। ये मगजमारी मजदूर साले कोई काम नहीं करते, डिलीवरी भी नहीं पहुंचा पाए साले। हो जाएगा भाई जी, हो जाएगा। क्या करते हो भाई जी? भाई जी डिलीवरी नहीं पहुंची, माल नहीं पहुंचेगा तो भट्टा बंद हो जाएगा। धूप में दौड़ाते हो सिर्फ, अंदर से पसीना निकल जाता है सारे तुम लोगों की वजह से। काम एक पैसे का नहीं। नहीं भाई जी, हो जाएगा, बस डिलीवरी में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बस क्या करते हो ये सब खड़े हैं? और तुम लोग तो घर के आदमी हो यार, डिलीवरी नहीं पहुंची, खड़े होके मुंह देख रहे हैं। अरे भैया वो हम थोड़ा चले गए थे बाहर ना। खाते हो पीते हो घूमते हो अय्याशी करते हो, अय्याशी करने को कौन रोका है? काम बंद हो जाएगा, अय्याशी बंद हो जाएगी। सब करो लेकिन धंधा बचा के करो। ये मजदूर साले वो देखो ढीले चल रहे हैं। और कौन बोला था पैसा बढ़ाने को? है उसको पकड़ के लाना साले को, भट्टे में डाल दूंगा साले को, चीथड़े उड़ा के ईंट बनेंगे। पकड़ के लेके आ साले को। कौन? गोली मत बेच दीजिए, डंडा लीजिए, मुंह में खोस दीजिए। लाल साला सर फोड़ के रहूंगा, यूनियन बनाता है साला। मजदूर हमारे यहाँ के आज के नहीं, ये पिताजी के बनाए हुए लोग हैं, इनको इस तरीके से मारेगा? गीता के उपदेश से कुछ नहीं लेना देना। वही सुना महल में बैठ के अपने गीता का उपदेश, मेरे अंदर के शैतान को मचेगा। सिखाइए अपनी भागवत जाके सबको, हमको यहाँ काम करने दीजिए, कभी जाके जमेगा भाई साहब। तो मैं कहूँगा कल से यहाँ वही होगा। जी मालिक जी, हुजूर। वही नहीं यही होगा, जो मैं कहूँगा वही होगा। जी मालिक जी, जी हुजूर। तू अपने ही आदमी पे हाथ उठा रहा है, ये बहुत गलत काम है। कितने भट्टे में गए, कितनी गोलियां चली, इसका आंकड़ा नहीं दे पाओगे आप। आपके लिए छोड़ देता हूँ इन लोगों को, वरना भट्टे में झोंक के ईंट बना देता। साले जाएंगे कहाँ? एक ना एक दिन फिर आओगे, टेटुआ दबाकर खत्म कर दूंगा। माधव नगर नाम तो पता है, ये बहुत प्राचीन है, लेकिन कहाँ है इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है। आदिशक्ति माता भुवनेश्वरी देवी की आप पर कृपा अगर होगी तो अवश्य ही आपको मिल जाएगा। लाख जतन कर हारी गोया है, लाख जतन कर हारी। आप एक बात हमारी बात मान लो, भगवान जी के दर्शन कर लो, ये आपकी पूरी मनोकामना पूरी करेंगे। कैसा बेवकूफ गाइड मिला है, सुबह से इधर उधर घुमा रहा है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर में लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने आते हैं। चलो दर्शन करते हैं। चलिए साहब चलिए। उसने एक नमानी राम।
अरे ठाकुर साहब। मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो करीब 100 साल की उम्र है उनकी। बहुत बुजुर्ग हैं वो और माधव नगर में कहीं पर रहते हैं। माधव नगर? और किसी कनक महल कोठी में वो चौकीदार थे। कनक महल? जी कनक महल। बहुत अच्छी जगह आए हो। वो तो हमारे परदादा की हवेली हुआ करती थी। तुम जिसके बारे में बता रहे हो मैंने उसको बचपने में देखा है। वहाँ एक राघव चरण सिंह रहता है। तू जानता है ना राघव चरण सिंह को? अरे जो कटरा हाँ, में रहता हाँ, है। भैया को मिला देना उससे, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। पहुंचा दूंगा भैया, हमको पता है। अब लगता है काम बन गया। छोटे भैया, हाँ मैं रामदूत बोल रहा हूँ भैया। आपको हम बताए थे ना, हमको लग रहा है वो पक्का सही है। हाँ भैया, हम इसको माधव नगर लेकर जाकर वही घुमा रहे हैं, वही सरयू नदी के किनारे। तब तक आप इसके रूम की पूरी तलाशी ले लीजिए। राघव चरण सिंह का घर यही है क्या? नहीं भैया, राघव चरण का नहीं है। आपका नाम क्या है? भैया हमारा नाम सच्चिदानंद है। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? 10 साल हो गया भैया। फिर तू गलत एड्रेस पे ले आया ना? नहीं भैया, गलत नहीं बता रहे हैं, हमको तो यही एड्रेस पता था। लग रहा है थोड़ी सी कहीं गलती हो गई है। दिन भर से धूप में घुमा रहा है, कुछ तेरे को कुछ मालूम भी है? ठाकुर जी ने तो यही एड्रेस बताया था, हमारे हिसाब से तो वो यही घर बताए थे। जो माधव नगर है वो आज की डेट में कटरा कहलाता है। ये कटरा है? अच्छा कटरा। फिर तुम गलत जगह पे लेके आ गए ना? लग रहा है थोड़ी सी कहीं गलती हो गई है भैया। तुम घुमा रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कहाँ है कटरा, कहाँ है माधव नगर, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा साहब, आप घबराइए मत, मैं किसी और से थोड़ा और पता लगा लेता हूँ। नहीं तुम छोड़ो, सीधे चलो होटल। नमस्कार, धन्यवाद। जय राम जी की। दुतुआ ना फोन करता है, कुछ बताता कुछ है। अंदर चेक कर, उधर तो कुछ नहीं है। अरे भैया कुछ तो नहीं है, कोई सामान नहीं है यहाँ पर। लगता है मुझे यहाँ पहले से कोई हाथ साफ कर गया कर। जी छोटो कुमार, पहले से कोई साफ कर दिया हाथ यहाँ पर। भीमा चल चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिला कर। मुझे ही प्रताप भैया को जवाब देना पड़ेगा, चल चलते हैं। हाँ भैया चलिए। अब आपका काम अब हम नहीं करेंगे। तू मना कर रहा है तो फिर वैसे मेरे पास कुछ था तेरे लिए। हुँ? अरे साहब चल ठीक है, अब तू मना कर रहा है ये, इसके लिए तो साहब कुछ भी कर सकता हूँ। भगने नहीं दूंगा तुझे बेटा फिर। नहीं नहीं साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम पूरा काम करा कर ही देंगे। साहब इसको मैं ले लूँ साहब? हट। अरे नहीं साहब, मना किया ना मैंने तेरे को। अच्छा आप ही लीजिए सर। साहब जहाँ रहे माल वहाँ कैसे नहीं दिखेगा रामदूत का कमाल। सारा सामान बिखरा हुआ है। लगता है भैया ने अपना काम कर ही दिया।
माल बाहर आदमी अंदर। ये गया काम से। दुबे क्या बड़बड़ा रहा है तू? साहब हम ठीक करवा देंगे साहब। हाथ मत लगाना इसको, चल निकल बाहर, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ये। मजा गया। मतलब यहाँ के लोगों को मेरी भनक है, कोई और भी इस सब के पीछे पड़ा हुआ है। रामदूत ने जो खबर दी थी वो? हाँ भैया। सही था या गलत? वहाँ पहले से कोई गया हुआ था। क्या बोलता है? वहाँ पहले से किसी ने हाथ साफ कर दिया। आप बोलते हैं तो पकड़ते हैं। तो पकड़ साले को। उसके साथ अगर कोई निकल गया ना भैया, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। पकड़ साले को वहाँ से। तुम दोनों झगड़ा मत करो, तुम पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है ना? पढ़ तो रहा हूँ। देखिए देखिए मैंने भी कुछ ढूंढा है। इससे मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढा है। देखिए देखिए कहाँ मिला तुम्हें? जब मैं पार्क में खेल रहा था तो माली अंकल ने बताया उस झाड़ी में अलादीन का चिराग है। चिराग में एक जिन है जो मेरी सारी विशेष पूरी करेगा। तुम्हारी सारी विशेष पूरी करेगा? मम्मी मैं भी बड़ा हो गया पापा की तरह, एक दिन बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा। पता नहीं इसमें क्या हो गया, इसमें जिन भी निकल रहा है, रगड़ रहा हो तब भी नहीं निकल रहा है। मेरा चिराग कहाँ से लाया तू? ये तुम्हारा नहीं, ये तो मेरा है। ये दे, ये मेरा है। मैंने ढूंढा इसे। तू नहीं, मैं ढूंढ के लाया हूँ इसे। मैंने ढूंढा इसे। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ढूंढा इसे। मम्मी ये मैं ढूंढ कर लाया हूँ, ये नहीं। कौन झूठ बोल रहा है, तुम बोल रहे हो या ये बोल रहा है? तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो क्या? भैया झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे तो माली अंकल से भी पूछ ले। शांति रखो, क्यों झगड़ रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो कि ये झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, पहले ढूंढा इसे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, 1 से 100 तक मैं गिनती गिनूंगी और मैं चाबी छुपा कर रखूंगी। तब तक तुम लोगों को चाबी ढूंढ कर लानी है, और जो चाबी ढूंढ कर लाएगा उसी को ये चिराग मिलेगा, और उसका मतलब वही सच बोल रहा है। 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85। देखिए मम्मी ये रही आपकी चाबी, मैंने भैया से पहले ढूंढी है। ये है मेरी चाबी? हाँ मम्मी यही तो है आपकी चाबी। मम्मी जब से आपने बोला है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे तब से आप इधर ही बैठे हो, मतलब चाबी भी आपके पास ही होगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब तुम एक जरूर अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे। इंसान की ढूंढ तभी सफल होती है जब वह सही दिशा में ढूंढी जाती है। इंसान की ढूंढ तभी सफल होती है जब वो सही दिशा में ढूंढी जाती है। एक दिन मैं बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा। मुझे अपनी ढूंढ को सही दिशा देनी होगी, मुझे हर हाल में इस बार जीतना होगा। आ, 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 आ,
कदर न जाने राम कदर न जाने कदर न जाने राम कदर न जाने ओ चार बेदर दी तूने कदर साहब, ये भी यहाँ के बाहुबली वीर सिंह जी हैं। किसी जमाने में ये विक्रम ठाकुर के शिष्य हुआ करते थे। ये बहुत ही ईमानदार और लोगों का परोपकार करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने विक्रम ठाकुर का साथ उनके छोटे भाई सौमित्र प्रताप के कुकर्मों के कारण छोड़ दिया। इनकी कहानी सांप और नेवले से भी खतरनाक है, जो यहाँ के बच्चों बच्चों में मशहूर है। और एक दिन तो हद ही हो गई जब इन दोनों ने एसपी साहब के सामने अपनी मर्यादा को खो दिया। क्यों भाई आशु, कोई फाइल आई क्या? जी सर, फाइल आई हुई है, लीजिए। कल आई थी, कल क्यों नहीं बताया? सर ये सारी डिटेल्स हैं, रेट्स वगैरह इनके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, अपने डिपार्टमेंट के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर। देखिए ठाकुर साहब, मैंने फाइल आपकी देख ली, कल शाम पुटअप करने को बोला हुआ है, वहां सब रिकॉर्ड आपका चेक हो जाएगा। अगर आपने काम अच्छा किया है तो देख लेंगे। अच्छा साहब, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है। आखिर तू फिर सामने आ गया, दुश्मनों को देख के तिलमिला जाता हूं। सौमित्र प्रताप, जंगली सुअर कितना भी खतरनाक हो जाए ना, फिर भी वो शेर का शिकार नहीं कर पाता। होश हवास में बात करना सी, किससे बात करना है तेरे को पता नहीं? सौमित्र प्रताप हूं मैं, 100 हरामी के बाप मरे थे तो सौमित्र प्रताप पैदा हुआ था। ये बात तुझको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी शक्ल पे लिखा है कि तुझको पैदा करने के लिए 100 हरामियों ने ही मेहनत की होगी। और इसी तरह इन दोनों की लड़ाई हर गली और हर चौराहे पर होती रहती है। वो देखिए साहब, राघव चरण जी का गांव आ गया, बस नदी पार करते ही पहुंच जाएंगे। राघव चरण सिंह जी हैं, आइए बैठिए बैठिए। भैया आप सब बैठे, हम थोड़ा जलपान की व्यवस्था करके आते हैं। आप जलपान रहने दीजिए, आप उनको बुला दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। नहीं भैया वो तो है नहीं, कहीं गए हैं क्या? उनका तो वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया है। इसके आगे का रास्ता अब कैसे मिलेगा? यही एकमात्र व्यक्ति थे जिनके थ्रू मुझे जानकारी मिल सकती थी। देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, शायद कुछ थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकूँ। अच्छा ये बताइए, आपको कनक महल कोठी के बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ सुना तो है, मेरे दादाजी वहाँ के चौकीदार थे। उन्होंने आपसे कभी किसी नक्शे के बारे में बात की है क्या? आपके कोई खजाने का नक्शा? जब मैं बाल्यावस्था में छोटा था बिल्कुल, उनके पास बैठता था ना, हाँ, तो वो अक्सर किसी खजाने की बात किया करते थे। उसका कोई नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा जो था ना, उस नक्शे में एक सोने का सिक्का लगा हुआ था। वो कोई एक मकान को दर्शाता था। वो जो नक्शा बना हुआ था ना, वो स्वयं बै ठाकुर ने खुद ही बनवाया था अपने पास। मतलब ये खजाना विक्रम ठाकुर के परदादा का खजाना है। ये सौमित्र प्रताप के खानदान का खजाना है। और उस खजाने के बारे में आज किसी को कुछ पता ही नहीं। जब ठाकुर साहब खत्म हो गए तो खजाने का राज भी खत्म हो गया। जो मैं न्यूज दे रहा हूँ सौमित्र प्रताप को एकदम सही है, तो लगता है वो माला माल कर देंगे। लेकिन वो नक्शा जो है ना, आज भी कहीं न कहीं रखा जरूर होगा। इस बारे में और कुछ जानते हैं आप? जी नहीं, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। भैया एक कॉल करके आता हूँ। जिस हिसाब से ये बता रहे हैं वैसा नक्शा तो मेरे पास है। भैया आप तो उठाइए, आप लोगों के खजाने का पता चल गया है, मैंने कल गलत न्यूज दी थी, आप उठा क्यों नहीं रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी ही हवेलियों में वो 3 सिक्के होना चाहिए।
खजाना है, कंफर्म है। वो भैया वो अभी साली तू मिल गया छोटे कुमार आप। वहां की खाक छान छान के मैं थक गया। नहीं 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 भैया मत मारिए। भैया इसको साले को ठोक डालूं अभी। ले तेरी तो। बोला था सर फिर देखा है वहां सोना देखा है वहां। दो दो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। अरे मारिए नहीं छोटे ठाकुर, हम आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। हम तो आपकी छाया में रहते हैं, हम तो आपका नमक खाते हैं छोटे ठाकुर। हम शहरी बाबू को एक चौकीदार के पास लेकर गए थे जो आपका पुश्तैनी चौकीदार है, और वो दोनों लोग आपस में कुछ खजाने के बारे में बात कर रहे थे। हमारी पुश्तैनी खजाने? हाँ छोटे ठाकुर, वो आपका पुश्तैनी खजाना है जिसका नक्शा वो एक लाल कलर की फाइल में लेकर घूम रहा है छोटे ठाकुर। छोटे ठाकुर कल वो उसके बैंक में फाइल थी कि नहीं थी ये हमें नहीं पता था, लेकिन अभी आज जब हम उसको लेकर गए थे तो वो लाल कलर की फाइल उसके बैंक में ही थी। हाँ, अच्छा। और हमारा नाम तो रामदूत है साहब, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। अगर इस बार हम गलत होंगे तो आप हमको उठाकर जिंदा गाड़ दीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे साहब। माफ कर दे रामदूत, जाओ उसको ले किया। हाँ छोटे ठाकुर, आप एक काम करिए, आप यहीं कहीं पर में छिप जाइए, मेरी उसकी सिटिंग है, मैं अभी उसको बुलाकर लेकर आता हूँ, लेकिन आप उसके सामने तभी आइएगा जब वो यहाँ पर आ जाएगा। जा जा। हाँ हाँ छोटे ठाकुर बस मैं अभी जाता हूँ। तेरे को भी मिलेगा। जा जा। वही छिप जाइए छिप जाइए। अरे साहब जी सहरी बाबू। क्या रे रामदूत, इसी सहरी के पास है ना फाइल? हमने देखा इसके बैंक में इतनी बड़ी सिलाइल फाइल है जिसमें आपके पुस्तैनी खजाने का नक्शा है, उसको ये लेकर ढूंढ रहा है। क्या सहरी बाबू, तू हमारा माल उड़ा के भागेगा? मेरे पास कोई फाइल नहीं है। हमारा माल लेके भागेगा तू? इसकी बातों में आ रहे तुम, ये तो हरदम झूठ बोलता है। वो फाइल इसके इसी बैंक में है, आप तुरंत देखिए। सहरी बाबू इस गांव में ना जो होता है पल पल की खबर होती है हमें। जो फाइल लेके तुम जा रहे हो ना मुझे पता है, वो भी हमारा पुस्तैनी खजाना। कोई लाल फाइल नहीं है उसमें, हमने अपनी आंखों से देखा है। या तो आराम से फाइल दे दो सहरी बाबू, या तो अंजाम बुरा हो जाएगा। अरे रामदूत तो दगाबाज निकला, मेरे को ही डबल क्रॉस किया इसने। अरे बैग में कुछ नहीं है तो बैग ही दे दो। छोटे कुमार को आज तक किसी ने ना नहीं बोला है। भैया आप बोले तो। रुको रुको रुको, देता हूँ बैग देता हूँ। ये लो बैग लीजिए छोटे कुमार, बैग में कुछ भी नहीं। हाँ। ये लीजिए आप। ला ला। पकड़िए छोटे कुमार। भीमा पकड़ साले को। पकड़ता हूँ उसको। खबर मैंने आपको दी थी ना, एकदम पक्की खबर है। अब तू देख, मैं उस छोटे कुमार को भी नहीं छोड़ूंगा और प्रताप को भी नहीं छोड़ूंगा। आज बदला लेने का मौका मिला है और इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे मालूम है तूने ही मेरे रूम में चेकिंग करवाई थी। साले तू छोटे कुमार का
चमचा है ना। अरे उससे क्या हुआ, लेकिन ये फाइल अब आपके हाथ नहीं लगने वाली, यहाँ कुछ नहीं आपको मिलने वाला। मैं केवल छोटे ठाकुर के लिए झूठ नहीं बोलता, बाकी सबके लिए तो रामदूत हमेशा झूठ बोलता है। तेरे छोटे कुमार और तू, जन्म लग जाएंगे तुम लोग तो ये खजाना नहीं ढूंढ पाओगे मेरे बगैर। घबराओ मत, इसको पाने वाले नहीं। ये इलाके में नहीं चल सकती आपकी, इस इलाके में दौड़ते दौड़ते थक जाओगे लेकिन इसको कभी नहीं पाओगे। अब इसको मैं छोटे ठाकुर को दिखाकर आधा कमीशन लूंगा। मेरे बगैर तू ये खजाना नहीं ढूंढ सकता, ना तू ना तेरे छोटे कुमार। जा निकल, देखता हूँ कहाँ तक आते हो। आजाओ आजाओ। मैं किसी को भी दौड़ा हूँ, तुझसे क्या करना है? इस इलाके में हुई हर घटना से मुझे मतलब होता है, समझे? एरिया तू कुत्तों का होता है, पर शक्ल तेरी कुत्ते जैसी है। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा हूँ बे? छोटे कुमार हैं। पहले तू हाथ नीचे करके बात कर। तेरे से ज्यादा रुआब, तेरे से ज्यादा गर्मी है मेरे अंदर। उसके साथ घूम रहा है तो तू अपने आप को खुदा समझ रहा है? हाँ खुदा है। निकल रामदूत। पकड़ उसको पेड़ से। रुक रुक साले, रुक रुक साले, भागने का है। रुक, छोड़ता है कि नहीं? छोड़ दे साले। छोटे कुमार भाग, कितना भागेगा तू? वो कहते हैं ना कि शिकार जितना भगाता है मारने के बाद उतना ही मजा देता है। भाग तू भाग। रोक, भागता कहाँ है? रोक छोटे कुमार रोक, आज तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे विक्रम ठाकुर के पास जाना पड़ेगा, ये फाइल गलत हाथों में लग गई है। अब मुझे उन्हीं से मदद लेनी पड़ेगी। भाग गया साला, इधर ही आया था। एक बार दिख जा तू मुझको, बस फाइल लेके भाग गया तू। फाइल के चक्कर में तू ये भी है साला? हट। ये गाइड वन ने बहुत बेवकूफ बनाया हम दोनों को। साला मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं कमीने को। कहाँ छुप गया लोमड़ी की औलाद? निकल बाहर बिल से चूहे। रोक रोक, आज तुमको मनाई छोड़ूंगा, कहाँ भाग रहा है? रोक, छोड़ दे भी। बड़ी देर बाद हाथ लगा है, फाइल दे। ना तुझे फाइल दूंगा और ना तो तू कुछ कर पाएगा मेरा। हमें भी इस फाइल के बारे में पता है, इस फाइल में क्या है? तू जानता है ना मैं किसका भाई हूँ? मुझे चाहिए साले फाइल, दे। किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। फिर भाग गया साला लोमड़िया। रुक जा, मैं कहता हूँ तू रुक जा। अरे यार, एक तो गाड़ी खराब और गर्मी का मौसम, यहाँ तो साला मैं आके फंस गया आज। अरे त्रिपाठी, ए त्रिपाठी सुन। अरे भैया आप। अरे सुन यार, वो बीरू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत देर से पीछे पड़ा हुआ है, आज मारी डालेगा मुझको। अरे हम आपके आदमी है, आपके नौकर है साला, आपका दिया हुआ खाते हैं और आपको नहीं बचाएंगे साला। देख लेना यार, उसको रोक लेना, दूसरी तरफ भेजना। अच्छा शाम को भाई आ जाओ लेने के लिए। आ जाना आ जाना, खर्चा पानी कुछ ऐसा ही। मैं चलता हूँ, देख लेना उसको। मैं देखता हूँ साले को, यही आएगा यही रगड़ दूंगा साले को। मैं निकलता हूँ इधर से, ठीक है? ड्यूटी वगैरह करता है।
होता है मुझे, जब तक पैसा वैसा नहीं मिलता तब तक तो मैं ड्यूटी नहीं करता भाई। त्रिपाठी जी, बिना पैसा रुको भाई, बिना पैसा रखे करते हो फोन। अरे वीर भैया, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है। छोटे कुमारवा मेरा सामान लेकर भागा, इधर ही से भागा, देखा आपने उसे? छोटे कुमारवा, दरअसल हम फोन पे बात करते हैं, लेकिन हाँ इधर ही कहीं गया है। कीमती सामान था, उसे लेके भाग गया है। अरे यहाँ कहाँ छोटे कुमार यार, यहाँ तो फोन पे फोन, रोज बलात्कार डकैती, साला मेरा तो भेजा खराब हो गया। त्रिपाठी जी, अब अपने थाने का रौना मत रोइए हमसे। आओ बैठो, साले को धरते लगाए दो कंटाप, साला मुते का पेंट में, पर हाँ पीछे की तरफ जाते हुए देखा है। इधर ही गया है ना, ठीक है। अरे साला अब लग रहा है माल की व्यवस्था होने वाली है। थैंक यू गाड़ी यार, तूने तो लॉटरी लगा दी। दिखाओ, मैं कैसे विश्वास करूं कि इसमें मेरे ही परदादा खजाना है? आप मेरी बात का विश्वास कीजिए ठाकुर साहब। तुम सोने सिक्के की बात करते हो, हवेलियों की बात करते हो, माधव नगर की बात करते हो, मैं कैसे विश्वास करूं? कोई चीज मुझे प्रमाण दीजिए इसका। मेरे पास ही वो फाइल थी, मैंने एक गाइड लिया था रामदूत, रामदूत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, उसने वो फाइल वो नक्शा सब कुछ लेकर वो छोटे कुमार के पास चला गया है, और छोटे कुमार सौमित्र प्रताप के पास चले गए हैं, और मुझे इस बात का बहुत डर है कि ये खजाना किसी गलत हाथ में ना लग जाए। सौमित्र प्रताप के पास? सौमित्र प्रताप तो भी हवेली में होगा, छोटा कुमार अगर नक्शा लेके भागा हुआ है तो वहीं पहुंचेगा। चलो क्या बे, ले आया क्या? ये लीजिए फाइल। अच्छा, देखता हूँ कितना बड़ा खजाना तू ले आया। अपनी जान पे खेल के लेके आए। खजाने का नक्शा? कोई खजाने का नक्शा लगता है। ओ ललन, सुधरेगा नहीं, ये कोई जमीन की फाइल नहीं है, ये ताड़पत्रा क्या उठा लाया तू? ये तेरे को खजाने का नक्शा लग रहा है, और इसमें एक सोने का सिक्का क्यों लगा हुआ है? अभी ने तो बोला था फाइल ले आना। मोटी बुद्धि साला, बस फाइल मिल गया खजाना, भागता हुआ चला आया, आदमी भी ले आता साथ में। अरे इसमें क्या मैं समझूंगा और क्या तू समझेगा? भैया एक तो मर के ला रहे हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं, ये तो अपने बुजुर्गों का खजाना है। आ? बुजुर्गों का खजाना? जी भैया। अभी कैसे कैसे? आ? इसकी जानकारी हमको रामदूत ने दी है, और झूठ नहीं बोल रहा है वो। अच्छा, रामदूत ने बताया इसको? जी, ये जान के परेशान हो जाएंगे कि इसके पीछे बिरुआ भी पड़ा है। वीर, उसको कैसे मालूम साले को? ये तो नहीं पता उसको कैसे पता चला, मगर उसने मेरा रास्ता भी रोका था, और सहरी बाबू को भगाने में भी उसने मदद की। वीर सिंह, तू मेरे भाई का रास्ता रोकता है? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें तो लगता है रामदूत ने ही सारी जानकारी दी है बिरुआ को, बिरुआ को देखते ही वो भाग गया वहां से। तू कायर की तरह भाग गया उसके सामने से? नक्शा बचाना था इसलिए भाग के चले आए, नहीं तो हम उसको वहीं गाड़ देते। अबे लल्लन, सी को पता चला ना, मुंडी है ना, पीछे कर दूंगा। हमारी पगार बढ़ जाएगी ना साहब, हम काहे को बताएंगे किसी को। निकालिए निकालिए, हम भी मदद करेंगे। भैया अगर बड़े भैया को पता चल गया तो क्या बे? अरे मैं हूँ ना, खजाना तो मिल बांट के रख लेंगे। बस तब तो ठीक है भैया। कहाँ गड़ा है, क्या है, कैसे पता चलेगा? अबे उसको ढूंढो। जी भैया। उसी को लेके आओ, तभी पता चलेगा खजाना है कहाँ पे। भैया ये सहरी बाबू भी? कौन है इसमें, ये यहाँ कैसे? ये छोटे कुमार, ये मेरी फाइल लेके भागे हैं। किधर इसकी फाइल, क्यों लेके भागा तू? नहीं नहीं भैया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भैया आप ही बताइए। अरे लेके आ गया, मिल गई होगी, कहीं पड़ी थी और क्या, वो कुछ भी पड़ी हुई लेके आया है कि छीन के लेके आया है? पूछ इससे, लेके आया कि छीन के लाया है इस आदमी से? और तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गति में बैठा है?
अरे भाई साहब, गलती से बैठ गया, क्षमा कीजिएगा, एक ना एक दिन तो बैठना ही बैठना है। परेशान करके रखा है तुम दोनों ने मुझे, भूल जाऊंगा मैं पिताजी को दिया हुआ वचन, मजबूर कर दिया है तुम दोनों ने मुझे। अभी तक दिए क्या हो आप, जो ले लोगे, सब पे तो कुंडली मार के बैठे हो। यही संस्कार सिखाया है मैंने। संस्कार जैसा आपने सिखाया वैसे तो सीखा हूँ, अब आप मुझको सिखाइए मत, एक बर्दाश्त करने की हद होती है, संस्कार सिखाएंगे हम। बदतमीज, यही जी करता है इनका कहीं वारा न्यारा कर ही दूं, जहां मैं काम करूंगा वहां अटक के मेरे सारे काम। कहां है इसकी फाइल? वो बड़े भैया के पास है फाइल। इधर दो फाइल। हुकुम लगाते रहते हैं साला लंडा, इनके पास कैसे आया? रामदूत ही भेजा होगा साला, बहुत हरामी साला, मिलेगा तो फिर। ये दोनों भैया के चक्कर में तो मैं मारा जाऊंगा, और ये सहरी बाबू, लगता है इसने विक्रम भैया को सब कुछ बता दिया। दुर्गा बैठा है, भाजा जा। जी ठाकुर साहब। बड़ा प्यार आ रहा है खजाना का नाम सुन के, भैया भी तो खजाने के चक्कर में नहीं है। फाइल देता हूं तभी मालूम पड़ेगा क्या है इनके दिमाग में। ठाकुर साहब, ये नक्शा जो है ये मेरी सर्वेलेंस टीम ने मुझे दिया है। इस नक्शे में जो आप चार खाने देख रहे हैं ये आपकी चार हवेलियां हैं, और ये नक्शा आपके परदादा ने ही बनाया है। चार हवेली? जी ठाकुर साहब। चार नहीं, हमारे तो तीन हवेलियां हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपके परदादा के पास पांच हवेलियां थी। पांच हवेलियां? जी ठाकुर साहब। पांच हवेलियां कैसे? आपकी पांच हवेलियां हैं, ये चार खाने जो आप देख रहे हैं ये आपकी चार हवेलियों को दर्शाते हैं। इसमें ये आप सोने का सिक्का देख रहे हैं ये आपकी किसी पुरानी हवेली से ही मिला है। अच्छा, इसमें अभी बाकी के तीन सिक्के मुझे ढूंढना है। ओ। जब मैं चारों सिक्के मैप में रख के स्टडी करूंगा तभी मुझे पांचवी हवेली का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ेगा, उसी में ही सारा खजाना है। पांचवी हवेली में खजाना? मतलब इसके बारे में हमको तो जानकारी कभी नहीं मिली, पिताजी ने भी कभी नहीं बताया। ढेर सारा सोना। इसका मतलब परदादाओं के पास थी। हाँ ठाकुर साहब, आपके परदादाओं के पास पांच हवेलियां थी और मैं इसी चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसका मतलब पहले हम तीन सिक्कों को ढूंढवाएं। जी, उसके बाद वो सही लोकेशन पता लगेगी कि वो खजाना कहाँ है। पर तुम कन्फर्म हो कि वो खजाना है? सर मैं 100% कन्फर्म हूँ कि ये खजाना है, और ये खजाना उसी पांचवी हवेली के नीचे कहीं दबा हुआ है। तुम कहते हो तो आज से शुरू करो काम। जी ठाकुर साहब। और जहां से कहो वहां से हो जाए। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आज से ही सिक्कों को ढूंढने में लग जाता हूँ। आप कहें तो पहला सिक्का यहीं से इस हवेली से ढूंढना शुरू करूं? नहीं भाई साहब, कार्य तो पुरानी हवेली से शुरू होगा, यहाँ नहीं शुरू होगा। पहले देखिए तो जो ये बोल रहे हैं वो सच तो है, पहले एक सिक्का तो निकाले। अरे छोटे कुमार को भेज दीजिए ना इसके साथ। अब तो मैं लेके भागूंगा। वो तो सब जानता है, सारी हवेलियों का जानकार है वो, और मेरे कांटेक्ट में भी रहेगा। ठीक है, पहली बार तुमने अकल की बात करी है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। ठीक है ठाकुर साहब, खजाना तो मुझे ढूंढना ही है, कहीं से भी शुरू करूं। छोटे कुमार आप इनको लेके जाइए। जी 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 जी। सिक्का अगर मिलता तो मुझे जानकारी दो। और तुम मुझे जानकारी दो। खजाना निकले तो हमारी भी बल्ले बल्ले। ये लो फाइल, छोटे कुमार आप इनको ले जाइए। ठीक है ठाकुर साहब। खजाना मिल गया तो भाई साहब को धर्मात्मा से परमात्मा बना दूंगा, सीधे ऊपर का टिकट। काश वो लड़का सही बोल रहा हो। लौंडे के अनुसार तो पूरे अरबों का खजाना है। परदाता का खजाना मिल जाए, गरीबों को बांटकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। करोड़पति? नहीं नहीं, अरबपति।
रब। आइए सहरी बाबू, संभाल के आइए। चल ढूंढ 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 चल ढूंढ। ये वही पुश्तैनी घर है जो बड़े भाई का हमने बताया था। पहले नौकर चाकर रहते थे इसमें, अब कबाड़ हो गया है और आप इसमें खजाना ढूंढने आए हो। चल ढूंढ चल ढूंढ चल ढूंढ चल ढूंढ मिला खजाना ढूंढ ले भैया, मिले खजाना ढूंढ ले भैया। बैठना के मुँह बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस ढूंढ बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस ढूंढ। खजाना तो है, मुझे इसे पटाना पड़ेगा। सारा खजाना खुद ही हजम कर जाऊंगा। चलो यार ऊपर चलते हैं। क्यों, ये वाला रूम है क्या? इधर वाला नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। ये कि ये, इसमें से देखते हैं। अपने घर के बारे में नहीं मालूम तुम्हें कुछ? ऊपर से तुम्हारे भैया जी गर्दन पे तलवार लटकी है मेरे। काम नहीं करूंगा तो वो मारेंगे, और कंपनी को काम करके नहीं दूंगा तो कंपनी मुझे निकाल देगी। ना हुआ तो इसमें तो नहीं है, उसमें होगा। पीछे वाले में चलते हैं, वही वाला होगा। चलो चलो जल्दी चलो। तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है ये। फिर तो पता नहीं कहाँ। दूसरा सिक्का यहीं पर है। अच्छा, और वो भी इसी रूम में। ढूंढिए ढूंढिए। एक काम करो, तुम ये नक्शा पकड़ो। लाइए लाइए लाइए। संभाल के रखना इसे, कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ इस 2 फीट के अंदर ही वो सोने का सिक्का है। दूसरा सिक्का हमको यहीं पर मिलेगा। जल्दी रखो मैम, रखो फटाक से, नहीं तो कॉइन नहीं ढूंढ पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। जी रखता हूँ उधर। जहां पर 50 आ रहा है वहीं पर है ये देखो। लाइए लाइए, मैं खोदता हूँ, लाइए। रुको रुको, ऐसे नहीं, सेंटर में आएगा वो, सेंटर में ही है वो। अरे सहरी बाबू, कुछ खोदने के लिए बड़ा नहीं लाए हैं क्या? देख देख, दिखा, ये देख, सोना, ये रहा। दूसरी अवेली का सिक्का मिल गया, सोना, सोना। देखा, मैंने बोला था ना, दूसरा सिक्का यहीं पर मिलेगा। लग गया ना ये। जैसे ही तीसरे के बाद चौथा सिक्का मिलेगा ना, तुम माला माल हो जाओगे। तब हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कहाँ पर है खजाना। और हाँ, अपने भैया जी को बोलना, उन्हें लग रहा था ना कि मैं ऐसे ही वैसे ही हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट हूँ मैं। एक बार छुड़े दीजिए ना सोना, सोना। अरे छोड़ो इसको, नक्शा फट गया ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठन ठन गोपाल रह जाओगे तुम लोग। अबे छोड़ इसको, छोड़। नहीं नहीं नहीं, छोड़ इसको। सामान उठाओ और चलो। हाँ लेके आता हूँ। भैया भैया, सोना।
सोना मिल गया, सोना मिल गया भैया। नहीं नहीं पगला नहीं रहे भैया, अरबों का खजाना हाथ लगने वाला है भैया, परदादा का खजाना हाथ लग गया है भैया, हम लोग करोड़पति से आरा पति हो गए। बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, लगता है बड़ा झोल जाल है, हम सब रह जाएंगे खाली हाथ। मेरे बिना खजाना कोई निकाल नहीं पाएगा इस एरिया से। सोचो कि कैसे मिलेगा वो राम दूतवा ने उस छोटे कुमारवा को बताया, पक्का बताया। और जो वो वीर है ना उसको भी बताया, वो दोनों तरफ है, तभी दोनों लगे हैं। सोचा कभी तुमने है? हम लोग क्या घंटा हिला रहे हैं? अबे साले तू तो साला सौमित्र प्रताप का पूरा अंडरवियर है, कम से कम सहरी बाबू से इन्फॉर्मेशन तू भी निकाल सकता था, साला मुझको नसीहत देता है, परसेंटेज सब लोगे हैं, अ काम खाली मैं करूं, अब बोलता घंटा। किसी तरह कर, समय नहीं है। जब साले सकल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी किया कर। सारी दारू उतार दी साले, खजाना वो लोग ले जाएंगे, मार देंगे रे साले, इतनी फटती है तो खजाने के चक्कर में क्या पड़ा है साला। 2 रुपए की दारू पिला के साले करोड़ों का खजाना अंदर करना चाहता है। चल साले मैं तो इन्फॉर्मेशन निकाल ही लूंगा कहीं ना कहीं से, लेकिन तू एक बात का ध्यान रख कि वो साला छोटा कुमारवा और सौमित्र प्रतापवा वहाँ उस लौंडे के पीछे आदमियों का डाल रखे होंगे, मेरी फील्डिंग ना लग जाए, इसकी गारंटी ले फिर साले से इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। अरे सहरी बाबू यही वही पुरानी हवेली है, तीसरी हवेली, यहाँ पे वही सिक्का मिलेगा। क्यों पी के आयो क्या, रात में ज्यादा चढ़ा ली? ये सोने का नशा है, सोने का, चलिए ना चलिए ना चलिए ना। अरे हाथ छोड़ो हा? ऐसा तो नहीं गिर पड़ेगी ये? अरे नहीं नहीं, हमारे बाप दादा ने बहुत मजबूत बनवाई थी, हालत तो ऐसी लग रही है कि अभी गिर पड़ेगी। इतनी बड़ी हवेली में सिक्का ढूंढना आसान नहीं है। अरे सहेली बाबू यहाँ कहाँ रुके, चलिए ना जल्दी, देखिए उसमें हो सकता है, और ये इसमें ना वो अंदर बना हुआ है उसमें भी चल सकते हैं हम लोग, उसमें भी मिल सकता है, इस दरवाजे के पीछे भी हो सकता है, आइए देखिए इस तरफ भी हो सकता है, अरे चढ़िए ना ऊपर। अरे सहरी बाबू बात मानिए, छोड़ो यार शांत बैठो, जितना मैं कहूँ उतना करो, समझ में आया? तुम लोगों को मालूम होता ना तो तुम लोग आज तक ढूंढ लेते खजाना। आप यही ढूंढिए, देखिए मिल जाएगा सोना। मैंने तुम लोगों को एक कॉइन ढूंढ के दिखाया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे। अच्छा सहरी बाबू गुस्सा मत कीजिए, हाँ चुपचाप चलो आगे चलो। जी जी, और जितना मैं कहूँ उतना ही करना, उसके आगे बिल्कुल भी मत बोलना। चलिए चलिए सोना मिलेगा ना वहाँ पे, हाँ चलो। अरे शहरी बाबू ऊपर क्या है, नीचे आ जाइए, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। वो ऊपर क्या है वहाँ पर? वो ऊपर पुराने कमरे हैं ऊपर। वहाँ ऊपर चल सकते हैं हम? नहीं नहीं वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको जो कुछ मिलेगा नीचे मिलेगा। हाँ हाँ मैं अमीर बनने वाला हूँ, खजाना मिलने वाला है मुझे, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। जब से नक्शा देखा है तब से तो यही पागल हो गया है, खजाने के पीछे मरा जा रहा है। सोना ही सोना होगा मेरे पास,
इसको बुलाता हूँ, काम कराता हूँ। मुझे नौकर बना के रखा है मेरे भाइयों ने। अब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। अरे छोटे कुमार, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, मेरे साथ खजाना ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इधर उधर मत घूमो, मेरे साथ काम कराओ। हाँ सहरी बाबू, आ रहा हूँ। ये लीजिए छोटे ठाकुर, और जाके ढूंढिए। मैं ढूंढू? खजाना किसका है? खजाना किसका है? मैं ढूंढू? जाइए जाइए। फाइल में देखता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर। अरे छोटे कुमार, वहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप? इधर आइए, खजाने का जो तीसरा सिक्का है ना, वो यहीं कहीं इन दीवारों में छुपा हुआ है। इधर आइए। हाँ मिल गया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यार यार 40 डिग्री। यहाँ होगा कि नहीं? लग तो यहीं पर रहा है। ये क्या सहरी बाबू, पेंटिंग का ब्रश चला रहे हो? छेनी हथौड़े से खोदो ना जल्दी से, जल्दी ढूंढो ना सोना। मिला, मिल गया, मिल गया, मिल गया सोना। तीसरा भी सिक्का मिल गया। सोना, मैं तो अमीर हो गया। सहरी बाबू, मैं तो अमीर हो गया। सोना, और ये रहा तीसरा सिक्का। आज तक लोगों ने मेरी कद्र नहीं की ना, लेकिन जब मैं वो चौथा सिक्का ढूंढ लूंगा और वो खजाने को ढूंढ के निकाल के लाऊंगा लोगों के सामने, तब लोग मेरी कद्र करेंगे। चौथा सिक्का मिलते ही खजाना मिल जाएगा सहरी बाबू। जैसे ही हमें चौथा सिक्का मिलेगा, ये खजाने का नक्शा पूरा हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कि असली खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। फिर सोना ही सोना। करोड़पति सोना। ठाकुर साहब, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपकी पुरानी दो हवेलियों से मैंने दो सिक्के तो निकाल लिए हैं। अब जो चौथा सिक्का है उसको हमारी हवेली में ढूंढो, ताकि ये कम से कम ये तो पता चले कि हमारे पता खजाना किस जगह पे छुपा हुआ है। मेरे हिसाब से जो चौथा सिक्का है वो आपकी हवेली के बाहर होना चाहिए, अंदर तो नहीं हो सकता। खोजो खोजो भैया सोना। चल ढूंढ, चल ढूंढ, चल ढूंढ, चल ढूंढ, चल ढूंढ, चल ढूंढ, चल ढूंढ की वहां। साले पगला गया क्या तुम? सोना, खजाना मिला नहीं, पागल हो गया? सिक्का मिला तो खजाना भी मिलेगा। मिले खजाना ढूंढ ले भैया बैठना के मुंह। क्या सहरी बाबू, चूहा बिल्ली खिलवा रहे हो? कभी इधर लेके घूम रहे हो, कभी उधर लेके घूम रहे हो। छोटे, उसे अपना काम करने दे। तो करता रहा भाई साहब, वही तो सुबह से शाम तक इधर घूमो उधर घूमो। तू अपना काम कर और किसी पे ध्यान मत दे। मुझे कुछ यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कुछ भी। मुझे लगता है बाहर ही कहीं, कभी अंदर कभी बाहर। ढूंढो 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 सोना। कुछ पता लगा कहाँ पर है? मेरे हिसाब से ठाकुर साहब वहाँ पर कहीं होना चाहिए। उधर अंधेरा कराने को आ गए साले तुम लोग, शाम होने वाली है। क्या हुआ वीरेन? पेड़ में तो नहीं हो सकता यहाँ। पेड़ में? हिलाओ हिलाओ, गिरेगा सिक्का सोना। पेड़ में नहीं होगा,
भाई साहब पेड़ में कहां से हो सकता है? नहीं नहीं, आ कैसे होगा? कुछ लग तो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ठाकुर साहब, सिक्का मिल गया। अरे वाह, अब आपके पुस्तकों का खजाना आपको जरूर मिलेगा। परोपकार का काम करेंगे हम लोग मिलकर के। सोना सोना सोना, अब खजाना भी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी लोकेशन देखो कहाँ पे है। ये रहा चौथा सिक्का और ये नक्शा पूरा हो गया। मुझे इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा मुझे ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसको रात भर स्टडी करके कल सुबह मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि कहां पर है असली खजाना छुपा हुआ और वो पांचवी हवेली भी कहां है। ठीक है वीरेन, छोटे तुम आपको होटल ले जाओ, आराम करवाओ, कल ही हमको फोन बता देंगे। हाँ भैया, ठीक है भैया, मैं ले जाता हूँ। सहरी बाबू चलो सोना खोजो। पता नहीं क्या खिटिर पिटिर किए हैं। रुको अभी मिल जाएगी लोकेशन। और कितना देर लगेगा भाई? बस 2 मिनट लगेगा, मिल जाएगी लोकेशन। पूरी रात से ढूंढ रहे हैं। और साहब मिल गई एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पर है खजाना। मिल गया? सच्ची में मिल गया? कहां 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 है ये हवेली का जो नंबर मालूम पड़ रहा है वो BA/26 है। कुछ BA/26? ये कोई पुरानी हवेली है जो कटरा में है। कटरा में? क्या रे भीमा, तुझे तो पता होगा। हाँ भैया, ये तो मेरे घर के पास है। BA/26 ये तो SP साहब का पुस्तैनी हवेली है। SP की हवेली? SP की हवेली? क्या SP साहब की हवेली? हाँ, वो जो नए वाले आए। हाँ भैया, जिसका अपना लफड़ा हुआ है। हाँ। अरे तेरी तो हो गया ना काम, अब लो SP की हवेली है। सुप सुप तो बोला होता, अब SP को कहां से पकड़ूं? बराबर जगह देखी तूने? ये एग्जैक्ट लोकेशन है। खजाना तो चाहिए किसी भी कीमत पर। भैया से बात करते हैं, शायद वो उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो सुनेगा नहीं साला। वो अभी नया नया शहर में आया है, वैसे ही मेरे सारे धंधे बंद करवाने पर लगा हुआ है। अगर SP को पता चल गया तो खजाना सरकार को चला जाएगा। कुछ करना पड़ेगा भैया, पहले से ही पीछे पड़े हुए हैं सरकार को खजाना देने के लिए, ऊपर से दी साला एग्जिट। भैया एक काम करते हैं। हाँ बोल। उसके लौंडे को उठा लेते हैं। पहली बार तूने अकल की बात की, साला खुद बा खुद मान जाएगा। ए त्रिपाठी को बुला, वो सब फिट करेगा अपना, और त्रिपाठी को साथ लेने भूलना मत। मैं त्रिपाठी को फोन करता हूँ, SP को डराएगा भी और सेट करके लेके आएगा। ठीक है, मैं घर निकलता हूँ, तू त्रिपाठी को सेट करके हवेली पे आ जाना। त्रिपाठी की चिंता आप मत कीजिए, उसको तो मैं सेट कर लूंगा। भीमा की जरूरत है तो भीमा को भी साथ ले जा। नहीं नहीं भैया, भीमा की जरूरत नहीं है, तू जा यार। चल भीमा घर चल। चल चल भीमा तू जा। खजाने की बारी आई तो धोखा दे दिया साला, बताता हूँ भगा रहा मुझे, देखता हूँ बाद में। देखा ना सहरी बाबू, सेटिंग कर दी ना।
मैं जा रहा हूँ एसपी के लड़के को उठाने। बस तुम अपना छेनी हथौड़ा तैयार रखो, बस खजाना ढूंढने की तैयारी करो। फटाफट निकाल के दो, मैं जाके आता हूँ। हाँ जाओ जाओ, भेज देना किसी को मुझे लेने के लिए। हाँ। साले अपने बाप को धमकी दे रहा है। क्या हुआ सर? तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? क्या हुआ सर? चिल्लाइए मत एसपी साहब, अगर अपना बच्चा चाहिए तो मेरे खबरी त्रिपाठी को फोन दीजिए। हेलो, कौन है बे? कुत्ता साला, साहब को धमकाता है? हाँ त्रिपाठी। अरे छोटे ठाकुर आप, अरे रे 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 रे, माफ करिए माफ करिए। अच्छा तो ये कुमार का खबरी है? हाँ बराबर, बच्चा पकड़ा ना जो फोटो दिया था, मालूम पड़ा किसी और को उठा लिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है सरकार, जो किया सो किया। बच्चों को तो मैंने उठा लिया। अरे आप सोचिए क्या बोल रहे हैं आप सर, चारों तरफ चक्का जाम हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, साला पुलिस प्रशासन का कोई कीमत रह गई कि नहीं? आप बच्चे को किडनैप कर लिया उनके। तू एसपी को लेकर घर पे चला। बंगले पे? हाँ बंगले पे। अच्छा पहुँच रहे हम लोग, पहुँच रहे। पहुँच जल्दी तू। अच्छा पहुँच रहे हम लोग। हाँ ठीक है पहुँच। अरे सुन, इन दोनों को ठीक से देखना। अंकल मुझे घर जाना है। और इस मोटे को तू अच्छे से खिलाना। जी भैया हो जाएगा। चल तू देख मैं आता हूँ। सौमित्र प्रताप के पास जाना पड़ेगा आपके बच्चे को बचाने के लिए, छोटे ठाकुर ने उठाया है। सर आप जानते नहीं है, वो इस एरिया का बहुत बड़ा माफिया है सर, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा सर, मेरी गारंटी है। आप चलिए बस। चलो ठीक है, आज उसको बराबर कर देंगे, तुम चलो साथ। चलिए चलिए। हो गया काम? हो गया। हाँ मगर एक गड़बड़ हो गई। काबे? उसके साथ एक लड़का और था, एसपी के लौंडे ने पहचान लिया था। तेरे से एक काम सही टाइम पे नहीं होता। तुमको लड़के शहर के बटोरने को भेजा था क्या? साले अनाथालय खोलोगे क्या? और दो चार को ले आते, पूरा स्कूल ले आते साले। एक तो सारा काम करो, ऊपर से डांटते रहते हैं। चलिए चलिए एसपी आ रहा है। चलो तुम आगे साले। चलिए चल चल। ठाकुर साहब काहे किडनैप किए एसपी साहब के बच्चे को? कल से बेचारे ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे। अरे जाने दीजिए, कोई बीच का रास्ता है तो हमें बताइए। अरे बताइए क्या करना है, अरे हमको बताइए, एसपी साहब सब करेंगे। क्यों सर करेंगे ना आप? अरे अभी मेरा आदमी है पुलिस महकमे की सारी इन्फॉर्मेशन यही देता है। अब खाकी वर्दी की कमाई में तो घर चलता नहीं सर, तो सेवा कर लेते हैं इन लोग की। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब आप तो समझ ही गए होंगे पूरी बात, और बच्चा चाहिए तो आप भी करिए सेवा। एक बार बेटा जाने दो, बेटा त्रिपाठी तुमको छोड़ूंगा नहीं। अपना आदमिया त्रिपाठी अपना बहुत सही है, काम बहुत अच्छा करता है। अरे वो तेरा पुराना वाला घर है ना, वो गांव के बाहर, वो मुझे चाहिए दो दिन के लिए। पुरानी हवेली, वो क्या करोगे तुम? काम क्या है ये तो नहीं बताऊंगा तुझे। सर समझिए, बच्चा नहीं रहेगा तो हवेली का क्या अचार डालेंगे आप? कैसा आदमी समझता ही नहीं है, इतनी मुश्किल से इनको तैयार किया है। अरे दे दीजिए हवेली ना, दो दिन में क्या हो जाएगा। सोचिए बच्चे की फिरौती है, बच्चे को उठाया मारा नहीं। अच्छा ठीक है चाबी दिलवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सर अब आप समझदारी का काम किए। ठाकुर साहब अब आपका काम समझिए हो गया। चिंता ना करिए एसपी साहब, बच्चा हमारे पास है ना। मेरी हवेली में जो करना आप कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से पहले बेटा वापस करिए, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाएगी। अरे 24 घंटे के पहले ही बेटा आपका पहुंच जाएगा, समझो आप ही के घर में तो रखा है। आ गया झंडे के नीचे। अरे बेटे को जरा मिठाई उठाई अच्छी खिलाते रहना। जी भैया। इनसे चाबी ले ले। बस एक बार मेरा बेटा आ जाने दे त्रिपाठी, तो मैं देख लूंगा तुझको। सोना पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अबे रामदूतवा इधर क्या कर रहा है, ये वाले गांव में क्या कर रहा है? छोटे छोटे कुमार तो मेन गांव से हमको भगा दिए, आपके सामने ही हमसे कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको बता देंगे, वो अभी तक कोई खबर ही नहीं दिए। शहरी बाबू छोटे कुमार के लेकर वहाँ सब खजाना ढूंढवा रहा है, तू तो छोटे कुमार का सबसे खास आदमी है, जब साला तेरे को धोखा दे गया तो मेरे को साला काहे नहीं धोखा देगा। हम लोग को खोदने के लिए बुलाया जरूर गया है। क्या बात कर रहे हैं? तेरे को नहीं बुलाया गया है,
छोटे कुमार ने इतना बड़ा धोखा हमको दिया? अबे हाँ, उन्होंने हमको कुछ बताया ही नहीं। हाँ नहीं बताया। अब हम भी पहुँचेंगे, अपना पूरा हिस्सा लेंगे उसमें। और तुम भी तो हमको कहे थे कि तुमको कमीशन मिलेगा, अब हमको हमारा पूरा कमीशन चाहिए। अबे तेरे हाथ से तो अब सब कुछ गया, यहाँ बैठ कर क्या मक्खी मार रहा है? ले अमरूद खा, बहुत मीठा अमरूद है, ले खा, एक दिन निकल जाएगा तेरा। ले खा, डूब गई तेरी नैया, अभी भी वक्त है, समझ जा। ये भी साला एक छोटे कुमार की जैसा साला खट्टा है, खजाने में मेरा हिस्सा है, उसको ना छोटे कुमार रोक पाएंगे ना उनका ये भीमा साला। कब मिलेगा मेरे पुरखों का खजाना? भाई साहब भी लगे हैं सोने के चक्कर में। इन लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी पता नहीं कितना लड़ा समाया हुआ है। दोनों भैया अपने चक्कर में लगे हैं। सब दाब के रखा तब भी सोने के चक्कर में पड़े हैं। सोना चाहिए, जितने ज्यादा उतने कम। बड़े ठाकुर पानी लाए? नहीं नहीं, भैया को सेट कर रहा क्या? साला दल बदल अभी से हो रहा है। भैया जी पानी लाए। ये क्या, भीमा भैया के साथ मिल गया? खाया मेरे साथ, पिया मेरे साथ, घूमा मेरे साथ, और आज सोने की लालच में भैया से मिल गया। छोटे कुमारवा को छोड़ के हमारा चापलूसी कर रहा। साला चापलूस कहीं का। ओ सैरी बाबू, सोना कहाँ है तुम्हारा? अभी दर्शन नहीं हुए? ना आसान होता तो तुम लोग नहीं ढूंढ लेते सोना। भैया एसपी का घर कहे तो एसपी का घर दिया, अपना घर कहे तो अपना घर दिया, हाई कपड़े उतार के रख दू का? ज्यादा है तो खुद ही आके ढूंढ लो। शांत रहो छोटे। कहा शांत रहो भाई साहब, सुबह से बैठा हूँ, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, घंटा मिलेगा इधर। लेकिन वहाँ तो सारे सिक्के निकले हैं ना। चार सिक्के मिले हैं, क्या अंदर डालोगे? भैया चार ही सिक्का थोड़ी ना है, पूरा खजाना है, खजाना पूरा खजाना है। कितना सोना चाहता है, हमेशा सोता रहता साला, जब भी देखिए कुछ भी बोल देते आप हमको। चुप रहो तुम, घर में नौकर बना के रखा है एकदम, सारा काम हमसे कराते रहते हैं, और सोना जरा सा मिलने आया हमको तो बोलते हैं सो 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 जाकर बिस्तर में। शांत हो जाओ, जब देखो तब सोना सोना। ये खजाना अगर मिलेगा तो सरकार को ही जाएगा, तुम लोग तो सब भूल जाओ। भाई साहब पहले मिलने तो दीजिए, कहीं दादा ने चार सिक्के तो नहीं छोड़ के गए हम तीनों भाइयों के लिए? चार ही सिक्के तो नहीं है? एक तो लोकेशन समझ में नहीं आ रही, कहाँ पर है सोना? साले अभी सिर पे ही बैठे हैं। एसपी के घर में खुदाई हो रही है, देखने रहा तुम लोगों, वो हमारे कहने पे हो रही है। एक तो वो मान गया दोस्त होने की वजह से, और तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। आपके कहने पे हुआ है? भाई साहब मेरे कहने पे हुआ है, क्यों रे लल्लन बता ना भैया को। क्या मतलब? साला एसपी मान ही नहीं रहा था, और आप धर्मात्मा बन के समझा रहे थे। क्या करता, खजाना चाहिए था, उसके लौंडे को उठा दिया। खजाना मिला नहीं है और अभी से पगला रहे हैं, अगर खजाना मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करेंगे ये। आपके हिसाब से चलते ना तो सरकार सरकार। विक्रम ठाकुर सही कह रहे हैं, ये खजाना गवर्नमेंट को ही जाएगा, और इसी शर्त पे मैं ये खजाना ढूंढने के लिए तैयार हुआ हूँ। सरकार में देंगे? हाँ हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, बड़े भैया भी कह रहे हैं और आप भी, तो सरकार में जाए जाए सरकार में। दोनों भैया सठिया गए हैं, दोनों को संत आत्मा चढ़ गई है। सरकार हमारे पुरखों खजाना हम गरीबों अनाथालय में बांटेंगे, गवर्नमेंट से सहायता लेंगे, पुरखों का नाम रोशन करेंगे। जी भैया जी भैया। अभी तक साले दोनों कुकर्मी थे, अब धर्मात्मा बन गए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार ठाकुर साहब, यहाँ कैसे आ गया साला ये? पता लगा कुछ यहाँ पे कुछ बटवट रहा है, कुछ प्रसाद हमको भी। तुमको यहाँ किसने बुलाया, किसकी परमिशन से यहाँ आए हो? ठाकुर साहब एसपी साहब भेजे हैं हमको, अब यही ड्यूटी लगा दिए हैं तो हम क्या करें।
क्या बोल रहा है भैया? ये अपना ही आदमी है, एसपी साहब की सेटिंग इसने ही लगाई है, उसके लड़के को भी इसी ने उठवाया है मेरे कहने पर। आप ही तो कह रहे हैं लोगों को बांटो बांटो। आखिर ये भी तो जरूरतमंद है, काम किया है जो। एक और आ गए, ये भी बांटने में लग गए हैं। आ गया भिखारी, एक हिस्सेदार और बढ़ गया। त्रिपाठी जी आ गए, अब कुछ उम्मीद बढ़ी, नहीं तो सब हाथ से बेहाथ हो रहा था। लगता है मिल गया है सही बाबू को। लगता है मिलने वाला है, खजाना मिलने का समय आ गया है। कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो काहे को चक्कर लगा रहे हो? फिरकी लगी है पैर में। राज बहुत गहरा है कोई पता लगा तो जानू, राज बहुत गहरा है कोई पता लगा तो जानू, चल ढूंढ चल ढूंढ। राज बहुत गहरा है कोई पता लगा तो जानू, राज बहुत गहरा है कोई पता लगा तो जानू, एक से बढ़ गए एक खिलाड़ी शादी रिज को मानू, बल्ले बल्ले हो जाएगी ढूंढ रहे बस ढूंढ बल्ले बल्ले। अरे कुछ मिला क्या? मिल जाएगा। ठाकुर साहब पानी लिया है? पानी पानी पानी, तुम्हारा हैंड पंप उखाड़ दूंगा साले। जी 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 साहब। चापलूसी से बाज नहीं आएगा ये। लगता है समझ गया, लगता है साला ये। जनाब आप मेरी मदद करेंगे थोड़ी? हाँ लीजिए मदद। छोटे कुमार तुम भी आओ। आइए आइए। छोटे कुमार को लेके गया, उनको सारा लेके नहीं गया, लगता जरूर दाल में कुछ कर रहा है। सुराग मिला। रुको रुको, अब तो मिलेगा सोना। एक बार दर्शन हो जाते सोने के, बस सब सालों को एक साथ गोली डाल देता मैं। ठाकुर साहब मेरे हिसाब से यहीं पर खोदना चाहिए, खजाना यहीं पर होना चाहिए। बड़े ठाकुर मैं भी जाऊं? हाँ जाओ, यहाँ क्या खड़े हो दल बदलू साले। अरे शांत रहे छोटे, काम करने दे उसे। करो। मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला कुछ क्या? मिला क्या? नहीं अभी नहीं मिला है, इसे और खोदो अभी। तेरी। ठाकुर साहब। क्या बे, जा खोद। एसपी साहब के लड़के को छोड़ना है, ये क्या हो रहा है, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, हमारी नौकरी तो आप लोगों के चक्कर में चली जाएगी। मेरे टुकड़ों पे पलने वाले, आज नौकरी की बहुत चिंता हो गई। शहर में सिपाही बनकर आए थे, इंस्पेक्टर बनकर घूम रहे हो। साला मैं वो दिन भूल गए क्या? हुजूर हुजूर हुजूर, बहुत सितारा लगा के कंधों पे घूम रहे हो। सितारा ध्रुव तारा बना दूंगा। ठाकुर साहब आपका खाते है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको जूतों के नीचे रखेंगे। वाह वाह, देशभक्ति जाग गई। साथ रहोगे तो ऊपर जाओगे, नहीं तो एकदम ऊपर जाओगे। जा इधर से और जा एसपी को बोल, बच्चे को तभी भेजूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये ड्रामा, बहुत तंग कर रखा है इंस्पेक्टर को। एसपी के बेटे को भी छोड़ो, तुम जाओ यहां से। भाई साहब सबको भगा रहे हो, पाटेगा कौन इन गड्ढों को? क्या भीमा तू भैया के साथ लग गया? आपने क्या कर दिया मेरे लिए? जिंदगी भर आपकी गुलामी किया हूँ, क्या उखाड़ लिया आपने? और यहाँ क्या मिला घंटा हमको? जिंदगी भर साले मेरे साथ खाया,
मेरे साथ घूमा और आज भैया की तुम पकड़ के घूम रहा है। कम से कम भैया के पास रहेंगे कुछ हमको मिल भी जाएगा। और आपके पास क्या मिलेगा? आप तो अपने घर में गुलाम हैं, अब मुझे क्या देंगे? भैया की वजह से छोड़ दे रहे हैं आपको, नहीं तो इसी गड्ढे में आपको भी गाड़ देती। मैं तुझे ही इस गड्ढे में गाड़ दूंगा, मुझे क्या पता था मैं आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। सब इसी गड्ढवा में आके धसेंगे और सब खजाना इनके अंदर चला जाएगा। आपस में मत लड़ो, आओ मेरे साथ मदद करो खजाना ढूंढने में। खोदते खोदते जान निकल गई, एक भी खजाना का क्या, उसका एक कानी कौड़ी भी नहीं निकली है सोने की। साले खजाना है भूतिये। खुदो ये एग्जैक्ट लोकेशन है खजाने की। मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, वो देखो कुछ मिला वो देखो, दिखाओ सुने, मिल गया। अरे इधर दिखाओ भैया, आइए, मिल गया सोना, जल्दी आइए भैया खजाना, सोना मिल गया भैया। अरे भाई साहब आपने मुझे दो, भाई साहब आपने मुझे दो, अब सब मेरा है। हमों का दो, छोड़ो सब। मुझे देखने दे पहले। ये देखिए ठाकुर साहब, ये बहुत पुश्तैनी खजाना है आपका, देख रहे हैं आप, इसमें लिखी लिखावट जो देख रहे हैं ना आप, वो बहुत पुरानी है। मेरा सोना भैया, मेरा भी हिस्सा है। हम भी देखें कौन सा सोना है। अबे चिरकुट, सोने का छुआ हुआ हाथ मेरे गाल पे लगा तो मेरा गाल भी सोना हो गया। सोना, मेरा सोना है भैया। अरे ठाकुर साहब, हमारे दूसरे गाल पर भी मार दो तो मेरा दूसरा सोने का हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है वीरेन, यही करने तो मैं यहाँ पर आया था, और आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और आप सब लोग मुझे नाकाम समझ रहे थे। मैंने आपके घर से तीनों सिक्के ढूंढे, वो नक्शा पूरा किया, और आज ये मैंने खजाना ढूंढ के दिखाया आप लोगों को। लल्लनवा वहाँ कहाँ घूम रहा रे? अरे सोना देखा के पगला गया क्या? अगर हाथ से मारने से हो रहा सोना तेरा गाल, तो ला पूरे शरीर को मालिश कर दू। इतना ही है का खजाना? नहीं ठाकुर साहब, ऐसी तो आपको लाखों ईंटे मिलेंगी इस जमीन के अंदर। लाखों बाप रे बाप, देखते जाइए आप, अभी तो शुरुआत है ये। और है? हाँ लाखों। मैं तो एक नहीं चार को लेके भागूंगा। ठाकुर साहब अब आप आराम कीजिए, मुझे नए सिरे से और काम करना है। आज का दिन ही है, कल वो एसपी का फोर्स आ जाएगा। ठाकुर साहब आप ट्रक का इंतजाम कीजिए। अरे ट्रक? और आपका ये मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, और अभी आपको 3 घंटे के अंदर आपको इतना खजाना दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। 2-3 स्टेट का खजाना है क्या? 2-3 नहीं, 10 स्टेट के बराबर खजाना है। अरे बाप रे बाप। कर तू काम कर। इधर से नापिए छोटे कुमार। मैं बोला था ना, ये खजाना जरूर निकालेगा। लड़का दमदार है, काम का है। अबे उससे नहीं, इससे खोद। क्या प्रॉब्लम है? अब तो खजाना निकलना चाहिए ना। कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम करने दीजिए। कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे बताओ। नहीं ठाकुर साहब, मुझे बस यदि हम इस प्रकार खोदते रहेंगे तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई साहब ऐसे खुदवाते तो बहुत समय हो जाएगा, एसपी का बवाल हो जाएगा, ना आप रुकवा पाओगे ना मैं। घंटों का समय है ना, तो आप भी फावड़ा लेके शुरू हो जाओ, इतना आसान नहीं है खजाना ढूंढना। कोई रास्ता तुम ही बताओ वीरेन। मेरे से एक गलती हो गई है ठाकुर साहब। आर्कियोलॉजिस्ट के पास एक यंत्र होता है जो सोना डिटेक्ट करता है, उसमें लाइट जलती है चिड़िए के जैसा होता है, वो मेरे पास नहीं है, वो मैं कहीं मेरे से मिस हो गया है वो। अरे तेरा तंत्र मंत्र वो कहाँ से मिलेगा? यंत्र यहाँ नहीं मिलेगा कहीं, वो फॉरेन से आता है। हाँ। अब क्या करें? तो तुम अकेले यहाँ किस लिए आए हो? कमाल है वीरेन, सोना ढूंढने आ गए, ले आए होते सब सामान, एक सामान नहीं लाए। अरे भाई साहब 20 दिन का समय नहीं है, सिर्फ सुबह तक का समय है। किस यंत्र की बात कर रहा है ये? यंत्र कहाँ से लाऊं? किस यंत्र की बात कर रहे हो? चिड़िए जैसा एक यंत्र होता है,
जो सोना डिटेक्ट करता है। हाथ में लेके उसको घूमना पड़ेगा, जहाँ जहाँ सोना होगा वो तुरंत लाइट जलती जाएगी उसमें। तुम्हें यंत्र मैं दिलाता हूँ। तुम यंत्र कहाँ से दिलाओगे? तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो यंत्र कहाँ मिलेगा? ले आ ले आ ले आ छोटे ले आ, तेरा कोई भी यंत्र लेके आ। अरे भैया मेरी जिम्मेदारी है ना, हम लेके आते हैं। जा। तुम्हें मालूम भी है उस यंत्र के बारे में कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो बस, क्योंकि वो किसी को नहीं मालूम, केवल आर्कियोलॉजिस्ट के पास होता है वो यंत्र। पढ़े लिखे सब बेकार है यहाँ, गाँव वाले बहुत काम आते हैं, चलिए दिलाते हैं। ठाकुर साहब मैं जाऊँ? अरे जाओ यार, रोकेगा कौन, बस मेरा सोना चाहिए। क्या है पता नहीं कौन यंत्र पंत्र, झुका पाया बनिया लाद दिया कुंटल। छोटे कुमारवा साला अकेले सिटिंग लगा रहा है क्या, अभी तक आया नहीं? खोदो खोदो। ये क्या चीज़ है? आज तक आप लोगों ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो सुनी होगी, लेकिन सोना दिलाने वाली चिड़िया कभी नहीं। अरे भाड़ में जाए तेरा खजाना, यही दे दे, इसी को दिखा दिखा के जहाँ रहेगा खजाना, दुनिया का खजाना लूट लूंगा। देर आए दुरुस्त है, मुर्गा नहीं तो चिड़िया सही। सही बाबू, जल्दी चलो ना, देखिए मिल जाएगा सोना। सोने वाली चिड़िया जल्दी उड़ के पता लगा सोना कहाँ है। अब काहे को देरी, अब ढूंढिए आप। ढूंढो? अरे वीरेन अब सब ढूंढो, मुझे सरकार को देना खजाना। देखिए ठाकुर साहब, मेरा और इस चिड़िया का कमाल, पूरा खजाना ढूंढ दूंगा। चल ढूंढ चल ढूंढ चल ढूंढ चल ढूंढ इधर इधर लाइट नहीं जलाइए, चल ढूंढ आगे चलिए, चल ढूंढ 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 चल ढूंढ। देखा चिड़िया का कमाल। ठाकुर साहब आज पूरी रात हमें यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, इतना सारा सोना है यहाँ पर। तुमको लगता है कि हर तरफ सोना ही सोना है, तो आज रात भर खुदाई करो। छोटे तुम कल सुबह ट्रक ले आना, और उसके बाद सारा सोना खजाना लाद करके कोठी पे लेते आना। तुम चिंता ना करो वीरेन, कल ही सारा सोना हम सरकार को डोनेट कर देंगे। तू उदास काहे को लग रहा बे, सोना नहीं मिला तो तेरे को यही गाड़ूंगा। इस पे नजर रखो, मैं आता हूँ 2 घंटे में हल्का होके। ठाकुर साहब जाइए आप आराम से घर पे, मैं यहाँ खून पसीना एक कर दूंगा, खुदवाता रहूंगा। ध्यान दे भीमा, और इस पे भी नजर रखूंगा। भैया मैं भी चलूं क्या? दत्त साले। नहीं नहीं आप जाओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, सोना निकलते ही फोन करना। चल लाइट वाइट ऑन कर भीमा, चल लल्लन फावड़ा उठा, चले लाइट जल गई, चलिए खुदाई करते हैं। अच्छे कै लोटिया पूर देश महागैया कमरिया, पूर देश महागैया कमरिया, पूर देश महागैया कमरिया, पूर देश महागैया कमरिया। सही बाबू खजाना मिलेगा ना? हाँ हाँ मिलेगा, काम करो। बड़े भाई और छोटे कुमार तो हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, एक काम करता हूँ, इन दोनों को यमराज को दान कर देता हूँ। किसको दान कराने की बात कर रहे हो? तुम दबाओ अपना काम करो। तुम लोग काम चालू रखो, कुछ नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है। बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है, थक वक गए हो क्या? दारू चलेगी? ठाकुर साहब खजाने पे तो हमारा भी हक बनता है, मैंने उसके लिए मन्नत की, पूजा किया, पाठ किया। वहाँ धर्मात्मा बांट रहे थे, अब तुम भी लूटो। क्या खजाना मुझे नहीं दोगे? अरे तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? काम चोर हो तो जाता हमारा लड़के, काम चोर हो।
सौमित प्रताप कब आएगा? अभी नहीं आएंगे तो सुबह आएंगे, आप आइए ना, सोना निकालिए। साहब, आप मुझे अपनी ठकुराइन कब बना रहे हो? एक ठकुराइन तो झेली नहीं जाती। आपको तो समझाने से कोई फायदा नहीं है। अरे फिर वही गीता का पाठ, वही गीता का पाठ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया धर्मात्मा है तो क्या पूरी दुनिया धर्मात्मा है? भाड़ में जाओ तुम। जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अब भेजती हूँ नौकर के हाथ चाय। अब तुम भी ठकुराइन बनने के लिए जो हो वही रहो। एसपी साहब, मैंने आपको समझाया था ना कि ये आसान मामला नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। आप वीरेंद्र के लिए मत परेशान हो, उसको कुछ नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चों का ख्याल आपको रखना होगा एसपी साहब। वो तो कई बार किडनैप हो चुके हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, समझे तुम है? वो तो एसपी के बच्चे हैं, वो स्वयं भूंढ के रख देंगे। जी एसपी साहब। लेकिन वीर, मुझे तेरे पे भरोसा है, वीरेंद्र पे नजर रखो। और खोदो, और खोदो सोना, और खोदो सोना, खोद और खोदो। अबे कदों, अरे भाई रे, कौन है बे? सोना कहाँ है? भैया वो सहरी बाबू रात भर खुदवाए, मिला ही नहीं सोना। सोने के लिए भेजा था, आखी तो लगी थी। खानदान के नाम पर कलंक है तू। अपना तो वहाँ खुद रासलीला नचा रहे थे और हम लोग यहाँ रात भर खोदते खोदते मर गए, आंख लग गई तो उड़ा दिया। साला सौमित्र प्रताप को आज तक किसी ने धोखा नहीं दिया। जरूर हम लोग को धोखा दिया है। ये सहरी बाबू कबो न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा। साला चिड़िया ले आया, वो ले आया, ये ले आया, साला बच्चों का खिलौना ले आके रख दिया, बेवकूफ बना दिया हम सबको साले ने। अभी आंखें मत खोलिए, मैं एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसे आप देख लोगे तो आपके बुरे दिन फिर जाएंगे। अच्छा हाँ जी। दिखाओ दिखाओ, आज तो दिन शुभ होना ही चाहिए मेरा। अब धीरे धीरे आंख खोलिए। हाँ? ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो बाजार में 5 रुपए में मिलती है और इसे लोग बहुत शुभ मानते हैं। जो इसके दर्शन सुबह सुबह करता है उसका दिन तो हमेशा शुभ होता है, और आपने भी आज इसे देख लिया है तो आपको भी आज खजाना मिलके रहेगा। अरे 5 रुपए की चिड़िया, ये सोना बताती है। सोना वना बताने वाली चिड़िया नहीं है, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। और क्यों ना बना दे, आप तो रोड पे चलते समय इधर उधर देखते रहते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ नजर रखते हो। सहरी बाबू भी, इसका मतलब हम सबको साला बेवकूफ बना दिया। 5 रुपए का खिलौना, अच्छा खेल खेल गया, खिलाड़ी से खेल खेलना चाहता था साला। हाँ अब दिखाऊंगा खेल कैसे होता है, कहीं से भी किसी से भी ढूंढ के लाओ साले को, नहीं तो उस साले सहरी बाबू को मैं शहर से बाहर गया तो खैर नहीं। दुनिया को आपने टोपी दिया और उसने आपको टोपी पहना दी। मुंह बंद कर साले, नहीं तो। ये तो इधर ही है सहरी बाबू। अरे साला इधर ही है तो। जिनको ढूंढा गली गली वो निकले इस गली। आइए आइए सहरी बाबू आइए।
सोना मिला? मुझे लगता है ये खजाना जो है ना, एक तो 400 साल पुराना है, हो सकता है यहाँ पर कभी भूकंप आया हो, उस वजह से ये खजाना इधर उधर शिफ्ट हो गया है। तू जानता है पीछे वाला घर किसका है? किसका? डीएसपी का है। हैं? अब खजाना अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो तुम्हारी भी शिफ्टिंग कराते हैं। ए छोटू, पकड़ साले को। धोखा दिया हम सब को साले ने। पकड़ पकड़ इसको। भाई साहब, तेरे को धोखे के लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं माफ कर सकता। नहीं 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 छोटे ठाकुर, नहीं छोटे ठाकुर, अब तू जाएगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने आपके सामने तीनों सिक्के ढूंढे थे, आपके ही सामने ढूंढे थे ना मैंने। नहीं भैया, इसको यहाँ नहीं गाड़ते। हाँ छोटे, यहाँ नहीं गाड़ इसको। अरे धर्मात्मा को भी पता चले आखिर हुआ क्या था। नहीं, उनके रेती पर इसका लाश मिलेगा ना, तो वही फंसेंगे हम लोग, तो माला माल हो जाएंगे। मारो मेरी। ले चल, ले चल साले को। यहाँ पर खजाना है छोटे कुमार? खजाना होता? मिलता नहीं यहाँ पे। बड़े ठाकुर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तू तो गया। खींच भीमा इसे। चल साले, पकड़ साले को, खींच। छोड़ दो मुझे। चल, मारो मेरी बात। चल, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। चल। 5 रुपए का खिलौना साला घुमाता रहा, घुमा दे साले की मुंडी। मुझे मार देंगे आप तो, आपको कभी सोना नहीं मिलेगा। अब यहीं खोद के तुझको तोपेंगे, तब पता चलेगा कहाँ खोदो। नहीं ठाकुर साहब, मुझे मत मारिए। उस चिड़िया का राज मुझे अच्छे तरीके से पता हो गया। साले 5 रुपए का खिलौना घुमाता रहा साला। मैं बोल रहा हूँ सही में खजाना है। ठाकुर साहब, आज तक आपको जिंदगी में किसी ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होगा जितना इस शहरी बाबू ने दिया। लगता है पुलिस का आदमी है ये। कुछ गड़बड़ है साला यहाँ पे। लेकिन पुलिस का आदमी होता तो इतना ना घुमाता। साले डाल के आंख निकाल लूंगा तेरा। ढूंढ के देता हूँ मैं आपको खजाना। 5 रुपए की चिड़िया सोना बताएगी साला। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। साले, मार साले को, इसको बता के दम लेगा। नहीं छोटे कुमार, नहीं भीमा। हराम खोर, बनाता है तू मुझको। मेरी बात सुनो। मार भीमा, मार साले को। खजाना अब इसको खजाना बना। क्यों आया था यहाँ? जितनी देर हमने मूता उतनी देर में साला मर गया होगा। भैया, मर जाएगा तो राज कैसे उगलेगा ये? मार साले। पहले साले से राज उगलवाते हैं, फिर दफन करते हैं इसे यहीं। अबे अबे देख देख, पकड़ साले को, पकड़ ले इसको, पकड़। भाई जी, वीर सिंह, तू हमेशा मेरे बीच में आ जाता है, तू मेरे बीच में मत आ। छोटे कुमार, जो खुद शिकार होते हैं ना, वो किसी को शिकार नहीं बनाते। वीर सौमित्र प्रताप, मुझे लग रहा था कि तू भी यहाँ आएगा। अब बता दे वीर, तेरा चक्कर क्या है? इस लौंडे के चक्कर में तू भी जाएगा? भैया, ये ऐसे नहीं बताने वाला, आज इन सबको यहीं दफन कर देते हैं। मार साले को भीमा। अब तो मारा मारी की बात आ गई है, मार की शुरू हो गई है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चला। अरे तेरी तो। क्यों रे सहरी बाबू? आखिर आ तू गया सामने। अब ये तो पता लग गया तू वीर का आदमी है। खजाने के पीछे तेरा क्या मकसद था? तू मेरे बीच से निकल जा। अबे बीच से तुझको हटाने आया हूँ, तू मुझे पीछे हटने बोल रहा है। वीर, तू मेरे बीच से हट जा। हट जा मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ दे, उसको जाने दे। हाँ। देख लेता हूँ तुझे साले आज। और छील डालूंगा। आज न तू बोलेगा न कोई और बोलेगा। हर प्याले से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश मत कर, कभी कभी प्याला बदलने पर शहद भी विष हो जाता है। बता दे। चला गोली, शेर की खाल में देसी कुत्ते। ये ले।
अपने भाई को ढूंढने आया हूँ जिसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगा हुआ है। कौन है तू? मैं शैलेंद्र सिंह का भाई हूँ। कौन शैलेंद्र सिंह? जो एक आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर खजाने की खोज में आया था। ना मैं तुझे जानता हूँ ना तेरे भाई को जानता हूँ। मैं यहाँ तुझे ट्रैप करने आया था समझे, और अपने भाई को देशद्रोह के इल्जाम से मुक्त कराने आया हूँ। जो खजाना तुम लोगों ने उनसे लेके उनके ऊपर देशद्रोह का कलंक लगाया है। नहीं, वो नहीं, एक नहीं। देशद्रोही है? नहीं नहीं नहीं, चोर है। बता कहाँ है वो? और ये बात तब कंफर्म हो गई जब छोटे कुमार ने मुझे वो चिड़िया ला के दी। हाँ हाँ, यही वो चिड़िया है। ले पकड़ चल। वो मेरे भाई की चिड़िया थी, वो उनका लकी चार्म था। तेरा भाई तेरे बगैर कुछ नहीं करता और तेरे कहने पे ही सब कुछ करता है। वो एकाएक भैया के गुम होने की खबर मिली, मैं सबसे पहले यहाँ आके एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने मुझे बताया। वीरेंद्र, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या की गई है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी मिल जाती तो एग्जैक्ट पता चल जाता कि हत्या हुई। एकाएक शैलेंद्र का गायब हो जाना सबके समझ के परे। इस केस में सीआईडी को भी हमने इन्वॉल्व कर रखा है क्योंकि तुम्हारे भाई पर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। शैलेंद्र ने जो भी पुरातत्व का खजाना ढूंढा था अभी वो मिला नहीं है। शैलेंद्र ने जो भी खजाना ढूंढा था उसे हमें निकाल कर लाना पड़ेगा जिससे कि हम उसे निर्दोष साबित कर सकें। तुम्हें इसके लिए सरकार की पुलिस की मदद करनी पड़ी। आज तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार सौमित्र प्रताप का ही हाथ। सर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं अपने भाई को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी करूंगा। आप बताइए मुझे। जैसे बताया गया है कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरीके से वीर ही सौमित्र प्रताप की काट है। बीच बीच में मेरे गुप्तचर आपके साथ रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहेंगे। ओके सर, मैं मिस्टर वीर से इनको मिला देता हूँ। वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। एसपी साहब के कहने पे मैं वीर सिंह से मिला और हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया। किसी भी तरह मुझे उस अनमोल खजाने को ढूंढना है। हम उसकी लालच का फायदा उठाएंगे। हाँ। और उसे इसी प्रकार ट्रैप करेंगे कि पांचवी हवेली को हम एसपी साहब की हवेली बताएंगे और उसी हवेली में उनके परदादा का खजाना दबा हुआ है। हम प्लान के अनुसार उनको दिखाएंगे कि उसी हवेली एसपी साहब की नहीं किसी जमाने में उनकी हुआ करती थी। इस प्लान के जरिए मैं उससे ये निकलवा सकता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब कि शैलेंद्र सिंह का कोई बैग तो उसके पास नहीं है। यदि उनके पास उनका कुछ सामान हुआ तो मुझे इसकी जानकारी मिल जाएगी। सर हमारी प्लानिंग के अनुसार सबसे पहले वीरेंद्र सिंह रेलवे स्टेशन पे रामदूत को मिलेगा क्योंकि रामदूत ही एक ऐसा शख्स है जो सौमित्र प्रताप तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। हाँ यहाँ पहुंच गया हूँ मैं, गाइड भी मिल गया है। जैसा आपने बताया था वैसे ही हो रहा है। और प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने सबसे पहले राघव चरण सिंह के पोते को अपने प्लान में शामिल किया। साहब एक्टिंग तो ठीक है ना? उसे तो विश्वास हो गया कि खजाना है और मेरा काम बन गया। मैंने बड़ी चतुराई से फाइल ऐसी जगह रखी कि वो फाइल तुम तक आसानी से पहुंच सके। एक एक करके मैंने तुम्हारी ही तीनों हवेलियों में वो सिक्के रखे और तुम लोगों की आंखों के सामने ही वो तीनों सिक्के निकाल कर तुम लोगों का विश्वास जीता ताकि तुमको लग सके कि खजाना है। और ये रहा चौथा सिक्का और ये नक्शा पूरा हो गया। और खजाने की खुदाई के वक्त सोने की ईंट को मैंने उस गड्ढे में छुपा दिया था। तेरी सारी करतूत सामने आ चुकी है। पता मेरा भाई कहाँ है? गलत फहमी हुई। पता कहाँ है? मार दे वीरेंद्र। भाई साहब आप? ना मैं आज इस रावण का अंत कर देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब। भाई साहब आप? तेरे पापों का हड़ा बहुत हो चुका। नहीं बचेगा तू आज। कुछ गलत फहमी लग रही मारा है। पूरी मतलब सुनिए भाई, तुझे सुधरने का बहुत मौका दिया। सुनिए तो भाई साहब, प्रताप खानदान पे कलंक। भाई साहब तेरे जैसा कमीना भाई नहीं 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 भाई नहीं। सौमित्र प्रताप। ठाकुर साहब आपको कैसे पता कि मेरा भाई मर चुका है? हाँ
बहुत परेशान किए थे हमको, ये नौकर बना के रखे थे, गए सब। बड़े भैया का प्लान था। मैं तेरे प्लान के हिसाब से नहीं, तू मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। और सौमित्र प्रताप भी मेरे प्लान का एक हिस्सा है, उसको खत्म करने में मेरी रणनीति थी। जब मुझे तुम्हारे प्लान का पता लगा, उसी वक्त सौमित्र प्रताप को हटाने का हमारा प्लान शुरू हो गया। ये तुम्हारा प्लान नहीं, हमारा प्लान है। तुमने अपने ही भाई को मार दिया। तुम लोगों को रिश्तों की भी कद्र नहीं है। तुझको बहुत है ना? हाँ है। तू आया ना ढूंढने? मिला तेरा भाई। तेरा भाई, ये तो हमारे षड्यंत्र का एक मोहरा था, इसको तो मरना ही था कुत्ते को। ये सारा हड़पना चाहता था, मुझे नौकर बना के रखा था इसने। और तू क्या समझ रहा था कि रामदूत तुझे घुमा रहा था? हाँ, रामदूत तो मेरा मोहरा था, जो तुझे इधर उधर गुमराह कर रहा था सिर्फ, और तेरी सारी जानकारियां निकाल रहा था। तू क्या ढूंढने आया है? और इन्हीं हाथों से तेरे भाई का गला मैंने दबाया था, अब समझा? जल्लाद हो तुम लोग। उसका सारा सामान मेरे पास था, तभी तू जब चिड़िया चिड़िया कर रहा था ना, तो मुझे पता था। और तुझे क्या लगा हमें पता नहीं है? ये सोना बताने वाली चिड़िया नहीं है, ये तो भैया के प्लान के हिसाब से चल रहे थे हम। ठाकुर साहब, मैं तो आपको धर्म का सागर समझता था, लेकिन आप तो पाप की नगरी निकले ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपने मेरे भाई को क्यों मारा? तेरे भाई को मैं मारना नहीं चाहता था, वो तो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था खजाने की खोज के लिए। खजाना तो मिला, लेकिन वो मेरे धंधे के बीच में आ गया। और तेरे भाई के माथे पे कलंक हम लोगों ने ही लगवाया। छोटे कुमार, आज तुम दोनों को इस कायनात की कोई ताकत नहीं बचा सकती वीर सिंह से। बकवास बहुत हो गई वीर। का बदला पूरा होगा, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी साले। नहीं बचेगा ये वीरेंद्र का बच्चा। रुक जा। गोली खत्म हो चुकी है। मैं इस क्षेत्र का शेर हूँ, शेर तेरे लिए एक पंजा ही काफी है। मैं भी वो शिकारी हूँ जिसने अच्छे अच्छे शेरों को सर्कस का रास्ता दिखा दिया है। और सर्कस में शेरों की क्या स्थिति होती है ये तो आप जानते ही हैं। इस महाभारत का कौरव भी मैं हूँ, पांडव भी मैं हूँ, और श्री कृष्ण भी मैं हूँ। ठाकुर साहब, श्री कृष्ण हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और सत्य की राह पे मैं हूँ। उस वक्त भी सत्य जीता था और आज भी सत्य जीतेगा। कौन किसको मार रहा है साला? सब आपस में भाई भाई ही लड़ रहे हैं। कौन अपना है कौन पराया, इसमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। इसमें से बस सिर्फ भाग लो, क्योंकि कौन अपना कौन पराया, यहाँ फिर कोई किसी को ठोक सकता है। जैन साहब, निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई साहब, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। अरे निकालो इसको, हट। क्या है बे, हट बे, घुस कर हट। छोड़। मानता हूँ सर, मेरे खून में कमीनापन था, लेकिन अब मैंने उसको एकदम प्योर कर लिया है, इस वर्दी की कसम।
मैं अब आपके बच्चों को छुड़वा कर आऊंगा, बस एक बार विश्वास तो कीजिए आप। मुझे जानकारी मिल चुकी है मेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाबू जी आप समझाइए, आपके पोतों के भविष्य का सवाल है, मारे जाएंगे वो भी और हम भी। बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक। हमारी हालत देख रहे हैं, पटे पोस्टर सी हो गई है, फिल्म जैसा मेरा हाल हो गया है। इसकी बात में सच्चाई लग रही है, भटका हुआ तो है ही, हो सकता है कि ये रास्ते पर आ जाए और तुम्हारा जो पर्पज है वो भी सॉल्व हो जाए। पिताजी आप ये कह रहे हैं तो कुछ सच्चाई दिखाई पड़ती है, अगली बार से गलती नहीं होगी। पिताजी ने जब कह दिया है तो मैं एक बार मौका देने का प्रयास करता हूँ। चलो पहले अपना होलिया सही करो और वर्दी की इज्जत करना सीखो। अब तुम सिंह तू हट जा मेरे रास्ते से। ठाकुर साहब वीर सिंह रास्ते का वो पत्थर है जिसे आज तक कोई हटा नहीं पाया है, और जहाँ रही गुरु और शिष्य की बात तो मैं आपका सम्मान पहले भी करता था और अब भी करता हूँ, और आप गलत कर रहे हो ठाकुर साहब, अभी भी समय है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो ठाकुर साहब। रामखोर ठाकुर साहब, ये फौलादी शरीर भी आप ही ने बनाया है, मुझे मजबूर मत करिए हाथ उठाने पे ठाकुर साहब, मान जाइए ठाकुर साहब, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। हैं? ठाकुर साहब तो ये पैतरा हमको नहीं सिखाए। पिलाओ इनको कुछ। लेपी क्या क्या नौटंकी करना पड़ता है। ये कौन सा पानी है, थोड़ा पेप्सी वेप्सी लाओ। पेप्सी ना बोल, सेवन अप बोल यार। अबे पिकनिक मनाने आए क्या, एसपी का लड़का बहुत खब्बू है। हाँ केला ले आइए, मेरे लिए चार लाइए। अंकल हमें छह चाहिए। लगता है बहुत बार किडनैप हो चुका है साला, खिलाना पिलाना पड़ेगा। दो इनको कुछ, खिलाओ यार। अबे ठीक से खिला। ले बुक्कड़। ले ठूस। कभी जिंदगी में खाया नहीं क्या बे? अबे ऐसे ठुसा रहा है, अभी अंदर करवा दूंगा। लो लो आराम से खाओ। चल अच्छा खिला। ले बड़ा मीठा खिला है। अभी आने दे अंकल जी को, पता रहेगा सभी को। कहाँ फंस गए छोटे ठाकुर के चक्कर में, अच्छा खासा काम कर रहे थे यहाँ फंसा दिया। बराबर अंदर जाएगा पता नहीं चलेगा। दो यार और दो, खिलाओ इनको। अबे तेरी ऐसी की तैसी, चल सारे निकल। इंस्पेक्टर साहब चल भगले भगले भगले, नहीं तो ठोक दूंगा। बच्चों कुछ हुआ तो नहीं, बहुत परेशान किया सालों ने इन बच्चों को, लग रहा है भूखा मार दिया है क्या। अरे खोल जल्दी। अरे एसपी साहब यहाँ बच्चे त्रिपाठी। ठाकुर साहब हम लोग को पता चल गई आपकी चालबाजी। तेरी औकात है मुझे बोलने की, दो कौड़े के आदमी। ठाकुर साहब पुलिस पर आपने हाथ कैसे उठाया। ठाकुर साहब पुलिस पे हाथ उठाया। मैंने तो इस पर अभी हाथ उठाया है, मैं आपको दुनिया से उठा दूंगा, खबरदार को हिला तो। लगी पाँच पाँच की शर्त नहीं चलाएगा। जमा बंद करो, एक को उड़ा दूंगा। अभी अभी चलेगी। देखा देखा अभी चली नहीं। एक अभी चली। दो मिनट में मालूम पड़ जाएगा। रुक जाओ वहीं। आज मैं तुझसे अपने भाई का बदला लेके ही रहूंगा। ठाकुर साहब रुक जाओ भाई, मैं तुम लोग। लगता है सच में गोली चलाने वाला है। ये सब साले आ गए।
ये छोटे कुमारवा अभी भी जिंदा है, लेकिन आज इसका भी अंत होके रहेगा। अभी तो तुझे मेरा एक काम और करना बाकी है। तुमने चाल से तो सौमित्र प्रताप को मरवा दिया, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। समझ ही नहीं पाया अभी तक। ये बंदूक ले, सबको एक जगह खड़ा कर। चलो सब लोग उधर चलो, एक जगह खड़े रहो। छोटे ने तुम्हारे भाई को यही मार के गाड़ा है, और ये सब मेरी प्लानिंग के तहत चल रहा है। मैं भी तुम्हें अपने पीछे दौड़ा कर इसलिए लाया कि तुम अपने भाई की छुपा ही गदा को ढूंढ सको। शैलेन ने जब मुझे बताया कि वो एक गदा की खोज में आया हुआ है, उसी समय मुझे ये लगा कि मैं उस गदा के जरिए अपने काले धन को बचा सकता हूँ। चिंता मत कर शैलेंद्र, छोटे तेरे साथ रहेगा। गदा? छोटे, इनको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए हमारे रहते हुए। और उस दबे खजाने की खोज शुरू हो गई। कुछ मिला क्या? और आखिरकार शैलेंद्र ने वो प्राचीन गदा ढूंढ निकाली। तुम्हें पता है उस गदा में क्या है? उस गदा में 10 करोड़ की ड्रग्स भरी हुई है। पुलिस की चौकसी से अपना माल हम शहर के बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, और इसीलिए हमने शैलेंद्र की खोजी हुई गदा में अपने करोड़ों के ड्रग्स भर दिए। तुमने मेरे भाई को 10 करोड़ की ड्रग्स के लिए मारा है। 10 करोड़ का ड्रग्स? 10 करोड़ का ड्रग्स? साला कई ईमानदारी तेल लेने। 10 करोड़ के ड्रग्स के लिए शैलेंद्र को मार दिया। लेकिन सारा प्लान उसने देख लिया छोटे कुमार को उसमें ड्रग्स भरते हुए। ये मूत भी अभी लगनी थी। मेरी गदा कहाँ गई? गदा? गदा? कहाँ गई? और भागते हुए रुक शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह ने बड़ी चतुराई से वो गदा हमारी ही फैक्ट्री में कहीं छुपा दी। शैलेंद्र सिंह रुक, उसे हम आज तक न ढूंढ पाए, और वहीं छोटे कुमार को तुम्हारे भाई को मारना पड़ा। क्या बकवास कर रहा है भैया? हमको बचा लीजिए, नहीं पुलिस उठा ले जाएगी भैया हमको। अबे साले, उसको वहीं गाड़ दे, पुलिस भी वहां नहीं पहुंचेगी। ठीक है भैया, हम फैक्ट्री में ही गाड़ देंगे उसको। तुमको तो हमारा प्लान पता ही चल गया। और एसपी साहब, आप क्या प्लान बनाएंगे? जो आपका आदमी है वो मेरा खबरी है, आपके हर चाल की जानकारी वो मुझको देता रहा। विक्रम ठाकुर, साले कहां कहां सेटिंग है इसकी? बड़े हैं ये, कहीं हमारे अंदर कोई मशीन नहीं फिट कर दिया है ठाकुर? साला जो पेट में है वो भी इसका आदमी निकला। साला मैंने सोचा मैं ही हरामी हूँ, लेकिन यहाँ तो साला हरामियों की फौज है, एक से बढ़कर एक हरामी। साले तुम्हारे सारे आदमी मेरी जासूसी कर रहे थे। बहसबाजी कम कर, पहले वो गदा ढूंढवा, वरना ये सबको मरवा दूंगा एक एक करके। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको गदा ढूंढ के देता हूँ, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। गदा के पीछे हो रही है दगी दगा। कुछ तो क्लू छोड़ा होगा तेरे भाई ने, तेरे को बताया होगा। 5 मिनट तेरे हो चुके, जल्दी कर। इतने बड़े मैदान में कहां से ढूंढूं मैं उसको अकेले? अपने भाई का दिमाग लगा, उसकी तरफ जाके सोच, क्योंकि मैं तुझे इसीलिए लाया हूं, जैसा वो सोचता है वैसा तू सोचता होगा। ढूंढता हूं अभी मैं। धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं अभी तक ऐसे गुरु की सेवा कर रहा था।
5538। ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। ऐसा तो नहीं भैया ने? ये क्लू मेरे लिए छोड़ा था। इसका मतलब वो खजाना यहीं कहीं पर है। यही है वो गधा। ला मुझे दे, इसी में तो मेरा करोड़ों का माल छुपा है। साला। ला मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ला मेरा करोड़ों का माल है। ला तेरी ला। हाँ, दे। ला तेरी ला। मिल गया। कुछ भी करूँगा साला, लेकिन गधा लेके जरूर भागूंगा। चल, सबके साथ खड़ा हो जा। अबे, चल बे। सारे सब खड़े हो एक लाइन से। हे त्रिपाठी, तू तो अपना आदमी है यार। अबे गधो, तुम लोग तो चुप रहो। एसपी साहब, आप 10 करोड़ के लिए मैं आपके खानदान को मार सकता हूँ। एक आवाज निकली तो फिर पागल हो गया। ठाकुर, गधा दे, चल। अरे हराम कर त्रिपाठी। ए, कोई भी आ तो गोली मार दूंगा। सच में मार दूंगा गोली। तू तो अपना ही आदमी है, मुझे नहीं जानता भीमा। ठाकुर साले गिर गए। मेरा साला गधा गिर ला। ले तू भाई, ले 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 ले, ये ले। अबे अबे अबे, दे दे भाई, दे दे दे। भीमा इधर ला। रख भीमा, जा तू भी पकड़ उसको। भीमा, अबे तेरी तो। पापा, हम भी जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, वहाँ नहीं जाना। हाँ यार चलते हैं, वहाँ खतरा है। पापा आप यहीं रुकिए, हम लोग लेकर आते हैं। अरे बेटा रुक जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो साला? अरे भीमा कहाँ? भीमा तू तो एकदम लालची हो गया यार। अबे गधा इधर ला वरना अंदर करवा दूँगा। अरे तू क्या करेगा बेटा, अभी तू टाफी खा। अबे रुक गेंडे। अरे अरे तू जा बेटा, तू जा बेटा। साला लगता यही खजाना। अंदर का। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे संभाल के चला, लग जाएगा। दे सहरी बाबू मेरा माल दे। अबे ठाकुर के चमचे, सरी बाबू निकाल। 50-50। अरे सरी बाबू, चल हाँ मेरे ऊपर से। मैं किसी को नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा लल्ला। ये क्या, कौन सी कबड्डी खेल रहा है बे? अबे गधा कौन लेके गया है? अबे उसको पकड़, मुझे क्या दबाए है? अरे हट। अरे बंडल बात तू भी। छोटे ठाकुर, रामदूत से धोखा। रामदूत ने सड़क पे ठोका। पकड़। अबे त्रिपाठी, अबे त्रिपाठी, पकड़ इसके चूहे को, पकड़ पकड़। अबे भीमा दे मेरे को, दे भीमा। छोड़, अबे हमारा खजाना, हमको दे, हमको। अरे हमको दे, हमको। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे दे ना। वीर छोड़ दे। अबे अब देख मेरा धोबी पछाड़िए, देख मेरा काला जंग दांव, देख। अबे देख मेरा अंग्रेजी दांव। अरे एसपी के पियो, तुझको खजाना चाहिए? बोल कितना दूं, कितना खजाना बोल। साला तो रामदूत का माल उड़ाएगा, इतनी हिम्मत? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिल गया खजाना, तुम लोग को भी दूंगा। तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। अरे सभी हमहू का ही गधा ले जाए दो। आए छोड़। अरे छोड़। अबे सालो तुम क्या करोगे इस गधा? ये गधा मेरा है। अबे लंपटवा छोड़। अबे मैंने बोला नहीं मेरा है। रामदूत भी हमारा है। छोड़ नहीं सकता। तुम क्या करोगे? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ लल्लनो साले, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब नहीं दूंगा। अबे मुझको कौन दोबारा साले? अबे क्या दोबारा? अबे छोड़। अबे क्या खींच रहा है? अबे साले गधा खींच में, ये क्या खींच रहा है? ठाकुर साहब देना मत उसको। नहीं ठाकुर साहब मत दीजिए। छोड़ ठाकुर इसको, ये आपसे छीनना है ठाकुर साहब। हट बड़े ठाकुर, नाटक बंद कीजिए।
तुम्हारा भंडा फोड़ हो चुका है। एचआर गुप्ता, इनको अरेस्ट करिए। यस सर। नहीं। 10 करोड़। 10 करोड़? अरे बाप रे, 10 करोड़? 10 करोड़? ये देखिए सर, इसमें करोड़ों के ड्रग्स भरे हुए हैं। माल मिला। अरे 10 करोड़ गए भाई इस पानी में। वीरेंद्र, आखिरकार तुम्हारे बड़े भाई के निर्दोष होने के सारे सबूत प्राप्त हो चुके हैं। वीरेंद्र, आज तेरी ढूंढ सफल हो गई। जिस खजाने की तलाश थी वो खजाना भी मिल गया। असली खजाना तो मेरा भाई ही था। देखा बच्चों, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। न बुरा करो, न बुरा सोचो, बुरा होते देखो तो उसे रोकने का प्रयत्न करो। चल ढूंढ, 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 मिल खजाना ढूंढ ले भैया, मिल खजाना ढूंढ ले भैया, बैठना के मुंह बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस ढूं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस ढूं, चल 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 ढूं, हाय देखना उधर देख तू, अगल बगल ना ढूंढ, इधर देखना उधर देख तू, अगल बगल ना ढूंढ, ओ चल ढूंढ, चल ढूंढ, इधर देखना उधर देख तू, अगल बगल ना ढूंढ, इधर देखना उधर देख तू, अगल बगल ना ढूंढ, कान से सुन ले, आंख से देख ले, नाक से ले तू सुन, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस तू, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ढूंढ रहे बस तू, चल 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 तू, च